यक्षिणी की मौत को 9 महीने हो गए हैं और इन 9 महीनों में कई अमावस्या और पूर्णिमा आई, पर किसी मर्द का शिकार नहीं हुआ। इसलिए गांव वालों ने भी दिलीप की बात पर भरोसा कर लिया था कि उसने यक्षिणी को मार दिया था। इसी वजह से दिलीप का गांव में और रौब बन गया था। सब दिलीप को एक अवतार की तरह मानने लग गए थे, जिसने उन्हें यक्षिणी के प्रकोप से बचाया था। यक्षिणी का खौफ जो इतने सालों से रोंका मुजा और बंगला मुडा गांव के लोगों के मन में बसा हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया था। अब यक्षिणी के नाम से कोई नहीं डरता है। जिस किश्नोई नदी के पास लोग दिन में भी जाने से घबराते थे, अब उसी किश्नोई नदी को लोग रात में हंसते हंसते पार कर लेते हैं, वो भी बिना किसी डर के साथ। वो खुशियां जो कई सालों पहले लोगों के चेहरे से गायब हो गई थी, वो यक्षिणी के जाने के बाद फिर से लौट आई थी। कहीं यक्षिणी वापस ना आ जाए, इसलिए गांव में एक परंपरा भी शुरू हो गई थी जो यक्षिणी की आत्मा की शांति के लिए थी। परंपरा के अनुसार हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात गांव की सभी औरतें किश्नोई नदी के पास नदी में एक दिया प्रवाहित करती थीं यक्षिणी के नाम का, ताकि वो दोबारा फिर कभी लौट कर ना आए। परंपरा का नियम यह था कि जब ये पूजा हो तो उस वक्त किश्नोई नदी के पास सिर्फ औरतें ही उपस्थित हो सकती थीं, कोई मर्द नहीं, क्योंकि यक्षिणी मर्दों को ही अपना शिकार बनाया करती थी। गांव वालों का मानना था कि मर्दों को देखकर उसका मन फिर मचल सकता है और वो लौट कर आ सकती है, इसलिए सिर्फ औरतें ही पूजा में शामिल हो सकती थीं। पर हाँ, पूजा के बाद मर्द वहां पर आ सकते थे, पर तभी जब गांव की सभी औरतों की पूजा पूरी हो जाए। इस वक्त भी बंगला मुडा और रोंका मुचा घाट पर दोनों गांव की सभी औरत पूजा की तैयारी कर रही थीं। सभी के हाथ में एक दीपक था, जो कि किसी के जले हुए थे तो किसी के बुझे, तो कुछ औरतें दीपक जला रही थीं। किश्नोई नदी के दोनों घाट के किनारे जगमगा रहे थे। वो दीपक ठीक उस तरह दिख रहे थे जैसे काले आसमान में तारे चमकते हुए नजर आते हैं। रोंका मुचा घाट पर ही कई औरतों के साथ अमोदिता, रजनी, जानकी और वंदना खड़ी हुई थी। ये चारों सबसे आगे थीं। होती भी कैसे नहीं, गांव में जानकी के पति का रौब जो चलता था। जानकी अपने हाथ का दिया जलाने के बाद वंदना से कहती है, लाओ वंदना बेटा, मैं तुम्हारा दिया जला देती हूँ। वंदना पागल होने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं अपना दिया खुद जलाऊंगी, मुझे दीपक जलाना पसंद है, आज दीपावली है ना। रजनी मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचती है, ये वंदना ना कुछ ज्यादा ही पागल होने का नाटक करती है, किसी दिन सच में पागल हो जाए तो मजा आ जाएगा। मन में सोचते वक्त रजनी ने अपने हाथ के अंगूठे के बगल की दो उंगलियों को क्रॉस नहीं किया था, जिस कारण सौदाइन होने की वजह से वंदना रजनी के मन की बात सुन लेती है। वंदना मन ही मन सोचती है, रजनी तू घर चल, फिर मैं बताती हूँ तुझे किसे पागल होना चाहिए। वंदना की बात मन में ही सुनकर रजनी घबरा जाती है और वो मन ही मन कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वंदना मन में कुछ और सोचती उससे पहले ही जानकी वंदना से बोल पड़ती है, आज दीपावली नहीं है वंदना बेटा। वंदना मासूमियत के साथ कहती है, आप झूठ बोलती हैं, अगर आज दीपावली नहीं है तो फिर हम दिए क्यों जला रहे हैं। जानकी धीरे से वंदना का दिया जलाते हुए कहती है, दिया इसलिए जला रहे हैं वंदना बेटा ताकि वो लौट कर ना आ जाए। वंदना जानबूझकर पूछती है, कौन माँ। जानकी अपने आसपास देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, यक्षिणी बेटा। इतना कहकर जानकी वंदना का दिया जला देती है। वंदना अपने दिए को देखते हुए मन ही मन सोचती है, पर मैं चाहती हूँ कि वो लौट कर आए। इतना कहकर वंदना फूंक मारकर अपना दिया बुझा देती है। दिए के बुझते ही जानकी घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, ये क्या, ये दिया बुझ कैसे गया, अभी तो मैंने इसे जलाया था। अमोदिता ने देख तो लिया था कि वंदना ने फूंक मारी है, पर तब भी वो उसे बचाते हुए कहती है, वो बुआ हवा चल रही है ना तो उसी की वजह से बुझ गया होगा, आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं इसे जला देती हूँ। अमोदिता दिया जलाते हुए वंदना को घूरने लग जाती है और आंखों से दिया ना बुझाने का इशारा करती है। वंदना रजनी की बात भले ही ना माने, पर अमोदिता की जरूर मानती थी, क्योंकि बचपन की तरह अब भी वंदना अमोदिता से उतना ही प्यार करती थी जितना वो युग से करती थी। जानकी के दिए के जलने के साथ ही दोनों घाटों की लगभग सभी औरतों के दिए जल गए थे।
जानकी अपना दिया हाथ में रखती है और आंखें बंद करते हुए कहती है, यक्षिणी लौट कर कभी वापस ना आना। इतना कहकर अपनी आंखें खोलती है और अपना दिया किश्नोई नदी में प्रवाहित कर देती है। जानकी के साथ ही गांव की सभी औरत एक एक करके मन में ही कुछ बोलती हैं और अपना दिया किश्नोई नदी में प्रवाहित करती जाती हैं। रजनी अपना दिया नदी में प्रवाहित करते हुए बड़बड़ाती है, ये यक्षिणी तो चली गई पर उसके नाम पर पता नहीं मुझे ये अभी भी ना चाहते हुए भी क्या क्या करना पड़ रहा है। इस यक्षिणी को तो अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं है। यक्षिणी तू वापस यहाँ ना आना। इतना कहकर रजनी अपना दिया नदी में प्रवाहित कर देती है। अपना दिया प्रवाहित करने के बाद जानकी, वंदना, रजनी और अमोदिता घाट से जाने लग जाती हैं। गांव की औरतें भी किश्नोई नदी में दिया प्रवाहित करते जा रही थीं और अपने घर की तरफ रवाना होते जा रही थीं। देखते ही देखते दोनों घाटों पर जितनी चहल पहल रौनक थी सब गायब हो जाती है। गांव की सभी औरतें नदी में दिया प्रवाहित करने के बाद वहां से चली जाती हैं। किश्नोई नदी में दियों का एक ढेर लग गया था जो एक कतार के साथ लाइन में लगे हुए थे। उन दियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से दियों की बरसात हुई हो जो सारे किश्नोई नदी के अंदर ही गिरे थे। किश्नोई नदी के दोनों किनारे पूरी तरह सुनसान पड़ गए थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की सभी औरतों ने दिया जला दिया था सिवाय एक औरत को छोड़कर, और वही औरत इस वक्त जल्दी जल्दी अपने कदम रोंका मुचा घाट की तरफ बढ़ाए जा रही थी। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में बिना जला दिया था जिसे लेकर वो आगे बढ़े जा रही थी। वो औरत अपने कदम रोंका मुचा घाट की तरफ बढ़ाते हुए खुद से कहती है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे, ये जानते हुए भी कि आज पूर्णिमा है मैं सो कैसे गई। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर मेरी नींद खुल गई वरना गजब हो जाता। इतनी मुश्किल से तो उस यक्षिणी से छुटकारा मिला है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लौट कर वापस आए। यही सब बड़बड़ाते हुए वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी पर घबराहट के कारण उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे साफ नजर आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जिन्हें देख कर साफ समझ आ रहा था कि वो बिना कंघी किए नींद में से उठकर बस आ गई थी। वो डरी हुई तो नहीं दिख रही थी बस घबराई हुई थी। उसे जल्दी से जल्दी किश्नोई नदी के पास पहुंचना था और वहां पहुंचकर यक्षिणी के लिए दिया जलाना था। वो औरत फिर बड़बड़ाती है, औरतें तो पूजा करके चली गई होंगी, बस भगवान करे कोई मर्द वहां पर ना पहुंचा हो, क्योंकि प्रथा है कि जब तक गांव की पूरी औरतें पूजा ना कर ले घाट पर किसी मर्द को नहीं जाना है। हे भगवान बस आज बचा ले, फिर हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को याद रखूंगी कि यक्षिणी के लिए दिया जलाना है। उस दिन तो मैं बिस्तर पर बैठूंगी ही नहीं ताकि नींद ना आए। आज बिस्तर पर जरा सी लेट क्या गई, नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। यही सब बड़बड़ाते हुए वो औरत रोंका मुचा घाट पर पहुंच जाती है। जब वो घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि घाट पर उसके सिवा दूर दूर तक कोई नहीं था। वो घाट पर अकेली थी। किश्नोई नदी पर बहुत सारे दिए पानी में तैर रहे थे जो कि अभी भी जले हुए थे। वो औरत अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं आया वरना वो लौट आती। वो औरत रोंकमुचा घाट पर अकेली थी। उसके अंदर यक्षिणी के नाम का डर जरा सा भी नहीं था। होता भी कैसे, इन 9 महीनों में यक्षिणी का डर सभी के मन से मिट चुका था, चाहे फिर वो कोई मर्द हो या फिर औरत। वो औरत अपने साथ जो दिया लाई थी उसे जलाने लग जाती है पर हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि वो दिए को जला नहीं पा रही थी। माचिस की तीली तो जलती थी पर उससे दिया जल पाता उससे पहले ही दिया बुझ जाता था। वो औरत अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये हवाओं को क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो शांत थी, एकदम से इतनी जोर से कैसे चलने लग गई। वो औरत कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है और जैसे ही हवाएं धीमी होती हैं फुर्ती के साथ दिया जला लेती है। वो औरत दिए को अपने हाथ में पकड़ती है और आंखें बंद करके कहती है, यक्षिणी लौट कर वापस ना आना, जहां मिले शांति तेरी आत्मा को तू जाना। इतना कहकर वो औरत अपनी आंखें खोलती है और दिए को नदी में प्रवाहित कर देती है। वो दिया नदी में तैरने लग जाता है। वो औरत खुश होते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ ये काम हो गया, मैं तो ना बेवजह ही घबरा रही थी, यक्षिणी अब कभी वापस नहीं आ सकती है। इतना कहकर वो औरत पलटती है और अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अभी उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे पानी में कुछ हलचल हुई हो। पानी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई थी।
वो औरत उस आवाज को सुनते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? इतना कहकर वो औरत पीछे पलट जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पानी में दिए वैसे ही तैर रहे थे जैसे कुछ देर पहले तैर रहे थे। पानी के अंदर कुछ बदलाव नहीं था। वो औरत खुद से कहती है, लगता है मेरा वहम था। अकेले में ना कुछ ज्यादा ही वहम होने लग जाते हैं। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। वो यक्षिणी भला थोड़ी लौट कर वापस आ सकती है। वो औरत अपनी हर सोच में यक्षिणी का जिक्र किए जा रही थी और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, और वो ये थी कि यक्षिणी थोड़ी लौट कर वापस आने वाली है। वो औरत अभी अभी फिर से यही बात बोलकर आगे मुड़ी थी कि तभी उसे फिर पानी के अंदर कुछ चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत चिढ़ते हुए कहती है, फिर से नहीं। इतना कहकर वो औरत फिर पीछे मुड़ जाती है, पर इस बार जब वो पीछे मुड़ती है तो हक्की बक्की रह जाती है। वो डर जो उसके चेहरे पर से गायब हो गया था, वो वापस लौट कर आने लग जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख ली हो। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। पीछे पलटकर उसने देखा था कि नदी के ऊपर जो दिए जल रहे थे वो अपने आप बुझने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें फूंक मार मार कर एक एक करके बुझाया जा रहा था। फूंक मारने की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। फूंक मारने की आवाज सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे जैसे दिए बुझते जा रहे थे, दिए अपने आप पानी के अंदर डूबते जा रहे थे। वो औरत अब डर रही थी। देखते ही देखते सारे दिए बुझ जाते हैं। बस एक आखिरी दिया बचा हुआ था जो उस औरत ने अभी अभी जलाया था, जो उसके पास ही तैर रहा था। उस औरत ने उसी दिए पर अपनी नजर टिकाई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो दिया नहीं बुझेगा, पर तभी कोई फूंक मारकर उस दिए को बुझा देता है। जैसे ही वो दिया बुझाता है, पानी के अंदर से एक काला हाथ निकलता है और उस दिए को लेकर पानी के अंदर डूब जाता है। ये सब देखकर उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस औरत के मन में न जाने क्या आता है। वो औरत पानी के पास झुकती है और पानी के अंदर देखने लग जाती है। वो औरत अपना चेहरा पानी के एकदम नजदीक ले जाती है। उसे पानी के अंदर ही एक चेहरा नजर आ रहा था, पर वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत पानी को नजदीक से देख ही रही थी कि तभी पानी के अंदर से दो डरावने काले हाथ बाहर निकलते हैं और उस औरत का चेहरा दबोचकर पानी के अंदर खींचने लग जाते हैं। वो काले हाथ उस औरत का चेहरा पानी के अंदर खींच पाते उससे पहले ही अपने शरीर की पूरी जान लगाकर वो और अपना चेहरा उन डरावने हाथों से छुड़ा लेती है और पहली फुर्सत में उल्टे पैर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाती है। वो औरत अब समझ गई थी कि अब जरा सी भी देर वो घाट पर रुकी तो उसकी मौत निश्चित थी। वो औरत भाग ही रही थी कि तभी उसकी साड़ी का पल्लू कोई अदृश्य ताकत पकड़ लेती है और भागते हुए ही उस औरत की काली साड़ी उसके बदन पर से उतरने लग जाती है। वो औरत ब्लाउज और पेटीकोट पर आ गई थी, पर तब भी वो भागते जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। भागते भागते ही उसे ठोकर लग जाती है और वो रेत पर पेट के बल गिर जाती है। रेत पर गिरकर वो उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके ब्लाउज की डोर खोल दी है। कोई अदृश्य शक्ति उसे पलट देती है और उसके कपड़ों को उसके बदन पर से अलग कर देती है। वो औरत पूरी नग्न हो जाती है। वो औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो औरत रोते हुए कहती है, कौन है यहाँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं वही हूँ। वो औरत घबराते हुए कहती है, यक्षिणी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं वही हूं। वो औरत घबराते हुए कहती है, यक्षिणी? उस औरत ने इतना ही कहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके बदन पर चढ़ रहा हो। उसे अपने बदन पर भार महसूस होने लग जाता है। उसे लगता है कि कोई उसकी मादक कमर को अपने हाथों से सहला रहा हो।
और उसकी कमर को ही सहलाते हुए अपने हाथ उसके उभरे हुए वक्ष पर लाकर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मसलने लग जाता है। वो औरत दर्द से कराहते हुए कहती है, आह नहीं, कौन हो तुम और ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? देखो देखो, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो। कोई जवाब नहीं आता है। कोई अभी भी बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके शरीर के हर एक अंग को मसले जा रहा था, कभी उसकी जांघों को, तो कभी उसके वक्ष को, तो कभी उसके कामुक नितंब को। उसके सफेद मक्खन की तरह मुलायम बदन पर लाल लाल निशान पड़ने लग जाते हैं, जैसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने हाथों से वार किया हो। उस औरत के कराहने की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। वो औरत दर्द से कराहे जा रही थी। उसके मुंह से ठीक वैसी ही आवाजें निकल रही थी जैसे तब निकलती है जब कोई किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संभोग करता है। कोई उस औरत के साथ संभोग करने लग गया था, उसके बदन के हर एक अंग को हिला के रख दिया था किसी ने। वो औरत अपने हाथ पैर ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे मछली फड़फड़ाती है जब उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। उस औरत के चेहरे की थकान देखकर साफ समझ आ रहा था कि मछली की तरह वो भी कुछ ही देर में अपना दम तोड़ने वाली थी। उस औरत की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गए थे। उसके रस भरे होठों का रस किसी ने पी लिया था, अब वो होठ सूख चुके थे। वो औरत अपने आखिरी पल में कहती है, कौन हो तुम? कुछ जवाब नहीं आता है। उस औरत के बदन के साथ ही उसके वक्ष जो संभोग से पहले उभरे हुए और कसे हुए थे, अब वो ढीले पड़ गए थे। देखते ही देखते उसका राइट वक्ष अपने आप कटने लग जाता है जैसे कोई धार वाले चाकू से काट रहा हो। वो अदृश्य चाकू तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ उसका वक्ष उसके बदन से अलग होते हुए जरूर दिख रहा था। उसके वक्ष से खून निकलने लग गया था। जैसे ही उसका वक्ष उसके बदन से कटकर रेत पर गिरता है, उस औरत का दिल उसके सीने से बाहर आ जाता है जो अभी भी धक धक धड़के जा रहा था। उसके दिल पर खून लगा हुआ था। वो औरत अपने दिल को देखकर अचंभित हो गई थी। देखते ही देखते उस औरत का दिल अपने आप गायब हो जाता है। जैसे ही दिल गायब होता है, वो औरत अपना दम तोड़ देती है। उस औरत के मरने के साथ ही आसमान में हंसने की डरावनी आवाज गूंजने लग जाती है। हंसने की डरावनी आवाज के साथ जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती थी। जो शांति कुछ देर पहले रोंकामुचा गांव में बनी हुई थी, वो अब गायब हो गई थी। उस शांति को भंग कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था ये आहट थी उसके आने की, जो सदियों पहले खत्म हो गया था। सुबह के 7 बज रहे थे और रोंकामुचा घाट पर बंगला मुड़ा और रोंकामुचा गांव के सारे लोग जमा हो गए थे। वो खौफ जो यक्षिणी की मौत के बाद चला गया था, सभी के चेहरे पर वो खौफ साफ नजर आ रहा था। सभी लोग सदमे में और डरे हुए थे। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स बिछा दिए थे ताकि कोई भी लाश के पास ना जा पाए। वहीं पर चार्ली खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी वहां पर अभी अभी आई थी, जो सीधे चार्ली के पास ही अपने कदम बढ़ा रही थी। जैसे ही वर्चस्विनी चार्ली के पास पहुंचती है, चार्ली उसे सल्यूट करता है और घबराते हुए कहता है, वो आ गई मैडम जी, वो आ गई, वो वापस लौट कर आ गई। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, कौन चार्ली? चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, वही मैडम जी जो 9 महीने पहले चली गई थी। सभी गांव वाले यही कह रहे हैं कि यह उसी का काम है, इस औरत को उसी ने मारा है। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, कौन चार्ली, तुम किसकी बात कर रहे हो? चार्ली झट से वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि वो चुप हो जाता है, जैसे वो कुछ ऐसा बोलने जा रहा था जिसके लिए वो घबरा जा रहा था। वर्चस्विनी बोलती है, चुप क्यों हो गए चार्ली, बोलो ये किसका काम है? चार्ली अपने आसपास देखता है, फिर धीरे से कहता है, यक्षिणी का मैडम जी, वो वापस लौट कर आ गई है। वापस लौट कर आने के साथ ही उसने अपना पहला शिकार भी कर लिया है। यक्षिणी का नाम सुनते ही वर्चस्विनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है, पर कहती कुछ नहीं। चार्ली अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वो वापस लौट कर आ गई है मैडम जी, मौत का खेल फिर शुरू हो गया है। अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाली, फिर अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार होने शुरू हो जाएंगे। कल रात भी पूर्णिमा ही थी जब उसने अपना शिकार किया था। वर्चस्विनी चार्ली को गुस्से से घूरते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए,
तुम्हारे ऊपर से ये यक्षिणी का भूत उतरेगा या नहीं? चार्ली बड़बड़ाता है। यक्षिणी एक ऐसा भूत है जो किसी के ऊपर से कभी नहीं उतर सकता है। वर्चस्विनी चार्ली की बात नहीं सुन पाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, इस बार एक औरत की मौत हुई है और तुम्हारी अफवाहों के मुताबिक यक्षिणी तो मर्दों के शिकार करती है ना, तो भला वो एक औरत का शिकार क्यों करेगी? तुम किस आधार पर कह सकते हो कि ये काम यक्षिणी का है? चार्ली अपने हाथ से लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप एक बार लाश को तो देखिए मैडम जी, फिर आप खुद ही समझ जाएंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये यक्षिणी का किया धरा है। वर्चस्विनी नीचे देखने लग जाती है जहां पर उस औरत की लाश को रखा गया था। उस औरत का सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था। उसके नग्न शरीर को सफेद कफन से ढक दिया गया था, पर उस कफन पर भी उस हिस्से में खून के दाग लगे हुए थे जो हिस्सा उस औरत के शरीर से गायब था। वो हिस्सा था उसके दिल का। वर्चस्विनी लाश के पास बैठती है और धीरे धीरे उस लाश के ऊपर का कफन हटाने लग जाती है। जैसे ही वो कफन हटाती है, उसकी रूह भी कांप जाती है। उस औरत की लाश का एक वक्ष गायब था, किसी ने उसे काट दिया था। वर्चस्विनी से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो अगले ही पल कफन को वापस से ढक देती है। चार्ली कहता है, अब तो आपको यकीन आ गया ना मैडम जी कि ये सब यक्षिणी का किया धरा है। इसे भी उसी तरह से मारा गया है जिस तरह यक्षिणी अपने शिकार करती है। इसका भी दिल गायब है जो अभी तक हमें नहीं मिला है। ये लाश भी हमें बिना कपड़ों के ही मिली है। अब आप बताइए, ये साबित करने के लिए कि ये खून यक्षिणी ने किया है, इतने सबूत काफी हैं या और चाहिए आपको? वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, काफी है चार्ली, इतने सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि ये खून उसी साइको किलर ने किया है जिसके पीछे हम लोग पहले लगे हुए थे। वर्चस्विनी जैसे ही ये बात बोलती है, चार्ली दंग रह जाता है। उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी सफाई देने के बाद भी वर्चस्विनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वर्चस्विनी आगे कहती है, मुझे लगा था कि वो साइको किलर हमसे डरकर किसी बिल में छुपकर बैठा हुआ है, क्योंकि 9 महीने पहले हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए थे। मैं उसी के बिल से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और वो बाहर निकलकर आ गया है। चार्ली वर्चस्विनी को बीच में टोकते हुए कहता है, पर मैडम जी। चार्ली अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं चार्ली, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का वक्त आ गया है। वो पुराने केस की फाइलें फिर से खंगालनी शुरू कर दो, हो सकता है कुछ और पता चल जाए। चार्ली को ना चाहते हुए भी हां में अपना सिर हिलाना पड़ता है। वर्चस्विनी लाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पता करो मरने वाली औरत कौन थी, और एक सबसे खास बात, आसपास की अच्छे से तहकीकात करना, हो सकता है कुछ और सबूत हाथ लग जाए। वर्चस्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल उठाते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, हाँ बेटा बोलो। फोन के अंदर से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, मम्मा मम्मा डर लग रहा है। वर्चस्विनी प्यार से ही कहती है, डर लग रहा है, पर किस बात से बेटा? बच्ची की आवाज सुनाई देती है, डर लग रहा है मम्मा, आप जल्दी से आ जाइए मम्मा मेरे पास। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, आप डरो मत बेटा, मम्मा आ रही है आपके पास। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है और फोन कट होते ही चार्ली से कहती है, चार्ली तुम यहाँ पर सब देख लेना, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरी बेटी की तबीयत कुछ खराब है। चार्ली भी घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ मैडम जी आपकी बच्ची को? वर्चस्विनी कुछ छुपाते हुए कहती है, पता नहीं, पर पिछले 9 महीने से उसकी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी है। वर्चस्विनी इतना कहती है और वहां से चली जाती है। चार्ली ने पहली बार वर्चस्विनी को डरा हुआ और घबराया हुआ देखा था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग अपने पापा के कमरे में था। युग उसी टेबल के पास कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था जिस पर बैठकर कभी उसके पापा कहानियां लिखा करते थे। इस वक्त उसी टेबल पर वो एक हॉरर उपन्यास बेगानी रूह पढ़ रहा था। उसने वही चश्मा पहना हुआ था जो उसके पापा कभी पहना करते थे। इन 9 महीनों में युग में बहुत चेंज आ गया। युग के छोटे छोटे बाल अब लंबे हो गए थे। जो बाल कभी जमे हुए रहते थे अब बिखरे हुए थे। वो क्लीन शेव रखने वाला शख्स अब लंबी दाढ़ी रखने लग गया था। यामिनी की जुदाई ने उसे काफी चेंज कर दिया था। सिर्फ युग में ही नहीं, ग्रेवयार्ड कोठी में भी चेंज आ गया था। वो ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ जो 100 एकड़ जमीन फैली हुई थी, उस पर युग ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। वहां पर बांस के बड़े बड़े पेड़ लग गए थे जिन्हें युग ने इन 9 महीनों में उगाया था। युग किताब पढ़ ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेंट करने लग जाता है। युग ने अपना फोन साइलेंट करके रखा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि किताब पढ़ते वक्त कोई उसे डिस्टर्ब करे। जब युग की उसके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि अभिमन्यु का फोन आ रहा था।
अभिमन्यु का फोन आता देख युग खुश हो जाता है और किताब को साइड में रखकर उसका कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु बोल, कैसे याद किया? मोबाइल के अंदर से अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है। कैसे याद किया का क्या मतलब है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तुझे कभी फोन ही नहीं करता। युग जवाब देता है, फोन तो करता है पर मिलने क्यों नहीं आता? तेरा चेहरा देखे 7-8 महीने हो गए पर एक बार भी तूने दर्शन नहीं दिए। अभिमन्यु कहता है, यार तुझे तो पता ही है मैं किस काम से आया हूँ। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वाले छुट्टी ही नहीं देते, जब देखो एक के बाद एक केस सॉल्व करने के लिए देते रहते हैं। युग कहता है, हाँ यार कभी कभी तो लगता है गलत ही किया पैरानॉर्मल संस्था वालों ने तुझे वापस बुलाकर, मुझसे मेरे इतने अच्छे दोस्त को दूर कर दिया। अभिमन्यु कहता है, ऐसा मत बोल यार, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, हमेशा तेरे पास ही हूँ, समझा? जब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। युग कुछ नहीं कहता है, चुप ही रहता है। अभिमन्यु कहता है, ये पैरानॉर्मल संस्था वाले तो मुझे कभी वापस बुलाते ही नहीं, अगर मैं यक्षिणी के बारे में इन्हें नहीं बताता तो। ये सब यक्षिणी की देन है, उसी की मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे वापस बुला लिया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है युग चुप हो जाता है, जैसे यक्षिणी शब्द सुनकर उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची हो। युग मायूस हो जाता है। सामने ना होने के बावजूद अभिमन्यु युग की फीलिंग को समझ जाता है और हमदर्दी जताते हुए कहता है, तू अभी तक उसे नहीं भुला पाया क्या? युग टेबल पर रखी एक पायल उठा लेता है। ये वही पायल थी जो संभोग करते वक्त यामिनी के पैरों में से निकल गई थी। इसे युग हमेशा अपने पास रखता था। युग पायल में लगे घुंघरों की छनछन को महसूस करते हुए कहता है, कैसे भुला दूं यार उसे, वो जिंदगी थी मेरी। कोई भला अपनी जिंदगी को भी कभी भुला पाता है क्या? अभिमन्यु कुछ नहीं कहता है। थोड़ी ही देर बाद अभिमन्यु कहता है, तुझे पक्का यकीन है कि यामिनी ही यक्षिणी थी? युग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुझे कितनी बार बोलूं यामिनी ही यक्षिणी थी, मेरी आंखों के सामने उसने अपना रूप बदला था। मैं तो हंसते हंसते उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी पीछे से पता नहीं किसने उस पर वार कर दिया। युग एक गहरी आह भरता है, फिर कहता है, पिछले 9 महीने से पता लगा रहा हूँ उस अनजान शख्स का, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बार मुझे उस शख्स के बारे में पता चल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अपनी यामिनी की मौत का बदला उससे लेकर रहूंगा। अभिमन्यु कहता है, भगवान करे वो शख्स तुझे जल्दी मिल जाए। अभिमन्यु युग को पुरानी बातें याद करके और दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, ये सब छोड़, मैंने तुझे इसलिए कॉल किया था, तुझे कछुए के बारे में कुछ पता चला क्या? युग यामिनी की पायल को वापस से टेबल पर रखते हुए कहता है, नहीं यार कुछ पता नहीं चला, जब से वो अपनी दादी की अस्थियों को विसर्जित कराने वाराणसी गया है उसका कुछ अता पता ही नहीं है, फोन कॉल तक नहीं लगता है उसका। अभिमन्यु कहता है, हाँ यार पता नहीं कहाँ गुमशुदा है, ऐसे रिश्ते तोड़ दिए उसने जैसे हम उसके कुछ लगते ही नहीं है। युग और अभिमन्यु फोन पर बात कर ही रहे थे कि तभी भागते भागते युग के कमरे के अंदर कायर आ जाता है। कायर बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कायर युग के कमरे में घुसते से ही हांफते हुए कहता है, युग युग वो लौट कर आ गई। युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन? कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यक्षिणी। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। एपिसोड 163, वो वापस कैसे आई? कायर हड़बड़ाहट के साथ बोला, यक्षिणी। कायर की बात सुनकर युग तो शॉक्ड हुआ ही था, साथ में कॉल पर बना अभिमन्यु भी शॉक्ड हो गया था। कायर हड़बड़ाहट के साथ आगे कहता है, यक्षिणी लौट कर आ गई युग, वो आ गई। युग मायूसी के साथ कहता है, वो कभी लौट कर नहीं आ सकती, उसे मेरी आंखों के सामने उस शख्स ने मार डाला था। यामिनी ने मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था। कायर मनी मन बड़बड़ाता है, ये फिर शुरू हो गया, उस रात के बाद से ना इसका दिमाग खराब हो गया है, जब देखो यही सब बोलते रहता है। अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, हेलो हेलो युग। युग कुछ नहीं बोलता है। कायर युग को अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, युग यक्षिणी सच में लौट कर आ गई है, तू चल कर देख, सभी गांव वाले यही बोल रहे हैं। एक और बात बताऊं तुझे मैं, इस बार यक्षिणी ने किसी मर्द का नहीं बल्कि एक औरत का शिकार किया है। अभिमन्यु ने कायर और युग के बीच की सारी बातें सुन ली थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? औरत का शिकार? कायर अभिमन्यु की आवाज पहचान जाता है और युग के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहता है, हाँ यार औरत का शिकार, यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए हैं,
तू जल्दी आ जा, हमें तेरी जरूरत है, अब तू ही कुछ कर सकता है। युग वापस से कायर के हाथ से मोबाइल छीन कर कहता है, अभिमन्यु तुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे। अभिमन्यु कुछ जवाब देता उससे पहले युग फिर से बोल पड़ता है, अच्छा मैं रखता हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर युग बिना कुछ सुने ही फोन कट कर देता है। उसके फोन कट करते ही कायर हैरानी के साथ कहता है, तूने अभिमन्यु को यहाँ आने से मना क्यों कर दिया? युग झट से जवाब देता है, तो यहाँ पर बुलाकर भी क्या करता, गुवाहाटी में वो ठीक है, अपना काम कर रहा है। तू क्या चाहता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वाले उसे फिर से निकाल दें? इतनी मुश्किल से तो वो वापस जा पाया है, कायर बौखलाहट के साथ कहता है। हाँ पर, युग कायर को अपनी बात पूरी नहीं करने देता और कहता है, पर क्या यार, यक्षिणी वापस लौटकर नहीं आ सकती। युग मायूसी के साथ कहता है, वो मर चुकी है और तू भी इस बात को कबूल कर ले। कायर हिचकिचाहट के साथ कहता है, और वो जो खून हुआ है उसका क्या? मुझे उस खून से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस अपने आप से मतलब है। इतनी मुश्किल से अपना स्टार्टअप शुरू किया है मैंने, मैं फिर से इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। कायर चुप ही रहता है क्योंकि वो जानता था युग को समझाना बेकार है, पर युग के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर वो इतना जरूर समझ गया था कि युग के मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था। कायर उदासी के साथ कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, अब कहाँ जा रहे तू, अभी अभी तो आया था। कायर जवाब देता है, वो रात का मुशायरा है ना, तो बस उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। युग कहता है, क्या बात है, आजकल बहुत मुशायरों में जा रहे है तू। कायर कहता है, अब क्या करूँ, कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने पड़ेंगे ना, मुशायरों से ही आजकल काम चल रहा है मेरा, वैसे इसमें मजा भी आता है, तू चलेगा क्या? युग कायर को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे काम है कुछ। कायर हैरानी के साथ कहता है, तुझे क्या काम पड़ गया, दिन भर तो इसी ग्रेवयार्ड कोठी में बैठा रहता है, ना ही कहीं जाता है और ना ही किसी से मिलता है, तू बोर नहीं होता क्या इस ग्रेवयार्ड कोठी से? युग अपने कमरे को चारों तरफ से देखते हुए कहता है, बोर वो भी इससे, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अपनापन लगता है यहाँ पर तो। और रही काम की बात, तो दिन भर में यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में बैठा नहीं रहता बल्कि काम करता हूँ। तुझे बाहर बांस लगे नहीं दिख रहे क्या, जो मैंने इन 9 महीनों में इतनी मेहनत से उगाए हैं? वो तो बस जब फ्री होता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ किताब पढ़ने के लिए। कायर बिचकते हुए कहता है, ये तो बाकी दिन का रूटीन हुआ ना, तू तो आज रात के बारे में बता, आज क्यों नहीं आ सकता मेरे मुशायरे में? युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो बांसों की कटाई भी तो करनी है ना, तभी तो बैंक से जो लोन लिया है वो चुका पाऊंगा। तो बांस की कटाई के लिए कौन कौन सी मशीन लेनी है, डीलर्स के बारे में पता करना है, तो उसी में उलझा रहूंगा रात में। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, मुशायरे में नहीं आना है तो सीधे सीधे बोलना, बहाने क्यों बना रहा है? युग कायर को समझाते हुए कहता है, अरे बहाने नहीं, सच बोल रहा हूँ यार, काम है। कायर हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था मैं, अच्छा चल ठीक है, जाता हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कायर वहां से चले जाता है। कायर के वहां से जाते ही युग कुर्सी पर से उठता है और भागते हुए अपने कमरे की ओर जाने लग जाता है। युग ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी सांसें निकली जा रही हो। युग अपने कमरे में पहुंचकर सीधे उस टाइपराइटर के पास जाकर खड़े हो जाता है जो वो रूम नंबर 666 के अंदर से लेकर आया था। युग उस टाइपराइटर के अंदर जो पेज लगे थे उन्हें निकाल देता है और उन पेजेस को पलट पलट कर देखने लग जाता है। वो 4-5 पेज जो उसने टाइपराइटर के अंदर से निकाले थे वो ब्लैंक थे, उनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। युग को उम्मीद थी कि यदि यामिनी लौटकर आई होती तो टाइपराइटर में कुछ न कुछ तो जरूर टाइप होता, क्योंकि यक्षिणी जब भी किसी का शिकार करती थी तो उसकी स्क्रिप्ट टाइपराइटर से जरूर मिलती थी। युग टाइपराइटर के आसपास पेजेस ढूंढता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, जिसके कारण युग मायूस हो जाता है। युग खुद से कहता है, वो वापस नहीं आ सकती, उस शख्स ने मेरी यामिनी को मार दिया, अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। इतना कहकर युग जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। युग रोते हुए कहता है, यामिनी वापस आ जाओ, यामिनी अपने युग के लिए वापस आ जाओ, तुम्हारा युग तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युग के रोने की आवाजें ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती हैं, पर ग्रेवयार्ड कोठी में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। युग अक्सर यामिनी की याद में ऐसे ही रोया करता था। वो दुनिया के सामने ये तो जाहिर करता था कि वो यामिनी को भूल चुका है और यक्षिणी कभी वापस नहीं आ सकती, पर वो अंदर ही अंदर चाहता था कि उसकी यामिनी वापस आ जाए। वो आज भी उसी के वापस आने का इंतजार कर रहा था।
इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर औरत की मौत की खबर सबको लग गई थी। जब से सबने सुना था कि यक्षिणी लौट आई है, सबके दिल दहल गए थे। ये खबर सुनकर अमोदिता और रजनी भी सकते में आ गई थी। अमोदिता रजनी को दोष देते हुए कहती है, माँ सब गलती ना तुम्हारी है। रजनी हैरानी के साथ पूछती है, मेरी क्या गलती है नालायक लड़की? अमोदिता अपनी बात एक्सप्लेन करती है, माँ कैसे गलती नहीं है, भूल गई घाट पर मैं कह रही थी ना सीधे सीधे दीपक जला लो, पर तुम नहीं मानी, अब आ गई ना यक्षिणी वापस। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की यक्षिणी उस वजह से वापस नहीं आई है। अमोदिता रजनी पर धावा बोलते हुए कहती है, तो किस वजह से आई है? रजनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि यदि वंदना ने उस रात यक्षिणी को मार दिया था तो यक्षिणी फिर वापस कैसे आ गई। अमोदिता रजनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ सही कहा, मेरे भी यही बात समझ में नहीं आ रही। रजनी और अमोदिता आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी उस कमरे में वंदना आ जाती है। वंदना कमरे के अंदर घुसती है, गेट लगाती है और आकर रजनी अमोदिता के पास बैठ जाती है। वंदना अमोदिता और रजनी को देखते हुए पूछती है, क्या ये खबर सच है वो लौट आई है? अमोदिता फटाक से बोल पड़ती है, हाँ वंदना भाभी 100% सच है, मैं तो खुद रोंकामुचा घाट पर से उस लाश को देख कर आई हूँ। मेरी आंखों के सामने तो अभी भी उस लाश का चेहरा घूम रहा है। कितनी बेरहमी से मारा था यक्षिणी ने। अब तो औरतें भी सुरक्षित नहीं है भाभी, उस यक्षिणी ने औरतों का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। मुझे तो पहले से ही उसकी नियत पर भरोसा नहीं था, और अब वो औरत का शिकार देखकर मैं कंफर्म हो गई कि मैं सही थी। वंदना चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या फालतू बातें कर रही है अमोदिता, तू ये सब छोड़ और ये बता वो यक्षिणी वापस कैसे आ गई। वंदना का सवाल सुनकर अमोदिता और रजनी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वंदना कभी ऐसा सवाल पूछेगी। रजनी बिचकते हुए कहती है, ये क्या बोल रही है वंदना तू, हम तो खुद तुझसे पूछने आने वाले थे कि यक्षिणी वापस कैसे आ गई, आखिर तूने ही तो उसे मारा था ना। वंदना अपनी तरफ हाथ करते हुए कहती है, मैंने कब यक्षिणी को मारा था, ये बात किसने कह दी तुमसे? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कहा किसी ने नहीं, पर आपको याद है ना उस रात जब मैं और माँ मिलकर युगजी पर पुतली टोना कर रहे थे, तो आपने ही तो हमें रोक दिया था ना ताकि वो यक्षिणी के पास जाएं और आप यक्षिणी को मार दो। वंदना कहती है, हाँ कहा जरूर था, पर उस रात तो मैं खुद घाट पर नहीं जा पाई थी, तो यक्षिणी को मारती कैसे? अमोदिता अगले ही पल पूछती है, आप उस रात घाट पर क्यों नहीं जा पाई थी भाभी? वंदना झट से जवाब देती है, कैसे जाती, उस रात मैं हथियार ही तैयार नहीं कर पाई थी। अमोदिता पूछती है, हथियार, कैसा हथियार भाभी? वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, यक्षिणी को मारने का हथियार। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ऐसा कौन सा हथियार है यक्षिणी को मारने के लिए जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता। रजनी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, तुम किस हथियार की बात कर रही हो वंदना? वंदना जानबूझकर रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसे रजनी को उस हथियार के बारे में कुछ नहीं बताना था। अमोदिता अपना मुंह बड़ा करते हुए कहती है, हमें तो इतने महीनों से यही लग रहा था कि यक्षिणी को आपने मारा है। वंदना गुस्सा करते हुए कहती है, यक्षिणी को मारना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि मैंने बोल दिया और उसे मार दिया, तैयारी लगती है। तुम दोनों को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि यक्षिणी को मैंने मारा है या नहीं। रजनी अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, कैसे पूछते, तुम अपने सामने हमें मुंह कहाँ खोलने देती हो। वंदना झट से कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मुंह से हमेशा साजिश वाली बातें ही निकलती हैं। रजनी पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही अमोदिता कहती है, आप दोनों चुप रहेंगी और जरा ये सोचेंगी कि यदि वंदना भाभी ने यक्षिणी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। तीनों सोचने लग जाते हैं कि यक्षिणी को उनके सिवा कौन मार सकता था। तभी रजनी का दिमाग चलता है और वो कहती है, एक शख्स है जो यक्षिणी को मार सकता है। वंदना फटाक से पूछती है, कौन? रजनी जवाब देती है, मायाधारी, जिस रात हम युग पर पुतली टोना कर रहे थे उसी रात तो ये मायाधारी यक्षिणी को मारने के लिए भैरव साधना कर रही थी। उसकी भैरव साधना सिद्ध हो गई होगी और जरूर उसी ने यक्षिणी को मारा होगा। अमोदिता रजनी की बात से एग्री करते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा माँ आपने, तभी तो पापा माइक लगाकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे थे कि यक्षिणी का अंत हो गया है। वंदना को भी रजनी की बात पर विश्वास होने लग जाता है और वो कहती है, हाँ ये हो सकता है, ये जादूगरनियों के जादू भी ना उनके शरीर के अंगों की तरह खराब होते हैं, ज्यादा देर तक साथ नहीं देते हैं, तभी तो यक्षिणी वापस लौट कर आ गई।
पर अच्छा ही हुआ कि यक्षिणी वापस लौट कर आ गई, क्योंकि अब उसे मैं मारूंगी। अपने पति की मौत का बदला जो अधूरा छूट गया था उसे पूरा करूंगी यक्षिणी को मारकर। इतना कहकर वंदना कमरे में लगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी के वापस आने के पीछे उसी का हाथ हो, ताकि वो अपने हाथों से यक्षिणी को मार पाए और बदला ले सके। इस तरफ हवेली के दूसरे कमरे में ही दिलीप सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और डर के कारण पसीने से भीगा हुआ था। उसके सामने टेबल पर पानी की करीब 8-9 खाली गिलास रखी हुई थी। दिलीप डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। उसके माथे पर पसीना तो आ रहा था, पर वो उसे पोंछ नहीं पा रहा था। तभी उस कमरे में जानकी पानी का गिलास लेकर आ जाती है और दिलीप को देते हुए कहती है, ए जी पानी। दिलीप कांपते हुए हाथों से ही वो पानी का गिलास उठाता है और एक ही घूंट में पी जाता है। फिर कहता है, एक और गिलास। जानकी परेशान होते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जी, इतना पानी क्यों पी रहे हैं, ये 10वीं गिलास थी। दिलीप पानी का गिलास नीचे रखते हुए कहता है, क्या करूं जानकी, मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही, ऐसा लग रहा है गले का सारा पानी सूख गया हो। जानकी घबराते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए जी, आखिर यक्षिणी के वापस आने से आप इतना परेशान क्यों हैं। दिलीप झट से कहता है, परेशान ना हूं तो क्या करूं जानकी, आखिर उसे मारने में मेरा ही तो हाथ था ना, मैं ही तो मायाधारी को लेकर आया था, अब वो लौट आई है तो सबसे पहले मुझे ही मारेगी। जानकी दिलीप को दिलासा देते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए जी, देखना भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। जानकी दिलीप के माथे का पसीना अपने पल्लू से पोंछते हुए कहती है, पर वो यक्षिणी वापस कैसे आ गई, आपने तो कहा था उसे मायाधारी ने मार दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। जानकी दिलीप के माथे का पसीना अपने पल्लू से पोंछते हुए कहती है, पर वो यक्षिणी वापस कैसे आ गई, आपने तो कहा था उसे मायाधारी ने मार दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दिलीप जानकी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही जानकी, कि वो यक्षिणी वापस कैसे आ गई। दिलीप इतना कह ही रहा था कि तभी वहां पर सुदेश आ जाता है। जितना दिलीप घबराया हुआ था उससे कहीं ज्यादा सुदेश घबराया हुआ लग रहा था। उसकी सूजी हुई लाल आंखें इस बात का सबूत थी कि वो अपनी मौत के डर से बहुत रोकर आ रहा था। सुदेश धीरे से दिलीप से कहता है, जीजा जी आपसे कुछ बात करनी थी। दिलीप जानकी को वहां से जाने का इशारा कर देता है। जानकी तुरंत वहां से चली जाती है। जानकी के जाते ही दिलीप और सुदेश दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, यक्षिणी वापस कैसे आ गई। जब दोनों को ही पता चलता है कि दोनों का सवाल सेम था तो दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। इस सवाल के बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते हैं, बस बार बार अपनी नजरें ऊपर नीचे करते हुए एक दूसरे की सूरत देखे जा रहे थे। दिलीप उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा सुदेश, जब मायाधारी जी ने यक्षिणी को मार दिया था तो वो वापस कैसे आ गई। सुदेश के दिमाग में एक ही बात बार बार घूमने लग जाती है और वो ये कि मायाधारी ने यक्षिणी को मार दिया था, मायाधारी ने यक्षिणी को मार दिया था। ना जाने सुदेश के दिमाग में क्या आता है, वो जोर से चीखता है, 2 मिनट जीजा जी, याद आया। दिलीप हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या याद आया। सुदेश जवाब देता है, यही कि मायाधारी जी ने कहां यक्षिणी को मारा था, वो तो खुद हैरान थी ये सुनकर कि यक्षिणी मर गई, वो तो आप ही कह रहे थे कि मायाधारी जी ने यक्षिणी का अंत कर दिया। जैसे ही सुदेश ये बात बोलता है दिलीप उस दिन को याद करने लग जाता है, जब 9 महीने पहले अमावस्या की अगली सुबह वो और सुदेश मायाधारी के पास गए थे। मायाधारी तहखाने में बैठी हुई थी, उसी के पास उसकी सेविका दीपा खड़ी हुई थी और वहीं पर दिलीप और सुदेश उससे बात करने आए थे। दिलीप मायाधारी के पास पहुंचते ही उसके पैरों पर लेट जाता है। दिलीप को देखते हुए सुदेश भी उसके बगल में लेट जाता है और मायाधारी के पैर पड़ने लग जाता है। दिलीप मायाधारी के गुणगान गाते हुए कहता है, मायाधारी जी की जय हो मायाधारी जी की। सुदेश भी जयकार लगाते हुए कहता है, जय हो मायाधारी जी की। मायाधारी मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या नाटक लगाकर रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह।
दिलीप फर्श से उठते हुए कहता है, नाटक नहीं मायाधारी जी, हम तो धन्य हो गए, हमारी सात पुश्ते तक आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाएगी। मायाधारी हैरानी के साथ पूछती है, कैसा एहसान? दिलीप सुदेश की तरफ देखते हुए कहता है, देख रहा है सुदेश, तू सीख मायाधारी जी से कुछ, इतना बड़ा काम कर दिखाया इन्होंने, पर ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ किया ही ना हो। सुदेश दिलीप का साथ देते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, यही तो पहचान होती है महान लोगों की, और मायाधारी जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मायाधारी गुस्से से बिलकते हुए कहती है, तुम दोनों ये बकवास करना बंद करोगे और बताओगे मैंने किया क्या है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। मायाधारी की बात सुनकर सुदेश और दिलीप एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। उन दोनों के मन में उस वक्त एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि मायाधारी सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही थी। सुदेश हिचकिचाहट के साथ कहता है, आपको सच में नहीं पता आपने क्या किया है? मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, बताओगे तो पता चलेगा ना। दिलीप बीच में बोल पड़ता है, आपने यक्षिणी को मार दिया और आपकी भैरव साधना सिद्ध हो गई। मायाधारी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, यक्षिणी मर गई? दिलीप अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हाँ जैसा कि आपने कहा था कि यदि अमावस्या की अगली सुबह पर घाट पर किसी मर्द की लाश ना मिले तो समझ जाना कि यक्षिणी मर गई। दीपा बीच में बोल पड़ती है, इसका मतलब आज सुबह तुम दोनों को घाट पर कोई लाश नहीं मिली? सुदेश और दिलीप दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हाँ नहीं मिली। मायाधारी बड़बड़ाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दिलीप बिचकते हुए कहता है, क्या नहीं हो सकता मायाधारी जी बताइए? मायाधारी कहती है, यक्षिणी का अंत तब होना था जब मेरी भैरव साधना सिद्ध होनी थी, पर सच तो ये है कि मेरी भैरव साधना रात में सिद्ध ही नहीं हो पाई थी, वो असफल हो गई थी, तो फिर यक्षिणी का अंत कैसे हो गया? मायाधारी की बात सुनकर दिलीप और सुदेश हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके लिए तो ये बात ऐसी थी जैसे पैरों तले जमीन खिसकना। दिलीप डरते हुए कहता है, इसका मतलब यक्षिणी की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। मायाधारी जवाब देती है, घाट पर एक भी लाश नहीं मिली, ये इस ओर संकेत तो करता है कि यक्षिणी की मौत हो गई है, पर उसे मैंने नहीं मारा। सुदेश शॉक्ड होते हुए कहता है, अगर यक्षिणी को आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? मायाधारी दिलीप को समझाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, यक्षिणी एक डायन है, अगर ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपना शिकार नहीं करेगी तो खुद ही इसका अंत हो जाएगा। वो अभिशाप जो उसे मिला है उसकी मजबूरी है कि उसे किसी को मारना ही पड़ेगा। इस बार कोई लाश नहीं मिली, इसका मतलब है उसके साथ कुछ तो हुआ है, उसका अंत भी हो सकता है। मायाधारी ने इतना ही कहा था कि दिलीप हड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी का अंत भी हो सकता है, मतलब वो मर गई, आपने उसे मार दिया। मायाधारी चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना यक्षिणी को मैंने नहीं मारा है। दिलीप के लिए तो इतना ही काफी था कि यक्षिणी कैसे भी मर जाए, उसे इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं था कि उसे किसने मारा, ना ही वो ये जानने का इच्छुक था। दिलीप यक्षिणी की मौत की खबर सुनकर बौखला गया था। दिलीप खुश होते हुए कहता है, मर गई, यक्षिणी मर गई, चल सुदेश तू मेरे साथ। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, पर जीजा जी। दिलीप सुदेश को आंखें दिखाते हुए कहता है, मैंने कहा चल। सुदेश को ना चाहते हुए भी दिलीप के साथ जाना पड़ता है। दिलीप और सुदेश तहखाने से निकल जाते हैं। दिलीप बाहर निकलते ही सुदेश से कहता है, सुन सारे गांव में ये बात फैला दे कि यक्षिणी का अंत हो गया है। सुदेश कहता है, पर जीजा जी मायाधारी जी ने कहा तो कि। सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप उसकी बात को काटते हुए कहता है, मायाधारी जी ने जो कहा वो मैंने सुन लिया, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन। सुदेश एकदम चुप हो जाता है और एक गहरी चुप्पी के साथ दिलीप की बात सुनने लग जाता है। दिलीप एक गहरी रंजिश रचते हुए कहता है, घाट पर लाश नहीं मिली इसका मतलब है यक्षिणी मर गई, समझा? अब गांव वालों को तुझे यही बताना है कि यक्षिणी को हमने मारा है ताकि गांव में हमारा दबदबा बना रहे, वरना उस युग की गलती के कारण जो दबदबा बनाकर रखा था सब चला गया था। सुदेश अभी भी हिचकिचाते हुए कहता है, पर जीजा जी वो यक्षिणी अभी मरी कहाँ है? दिलीप गुस्से से भन्नाते हुए कहता है, तुझे इतना समझा रहा हूँ समझ में नहीं आता क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, अपना ज्यादा दिमाग मत चला, समझा? दिलीप सुदेश को ऑर्डर देते हुए कहता है, सुन सुदेश तू समझ गया ना तुझे क्या करना है? गांव में ढिंढोरा पिटवा दे कि यक्षिणी की मौत हो गई है, ये खबर बच्चे बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए, यक्षिणी का डर अब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए,
सुदेश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। हाँ जीजा जी, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर शाम को मायाधारी जी और दीपा जी के वापस जाने का प्रबंध करवा देता हूँ। दिलीप सुदेश की बात से हामी भरते हुए कहता है। हाँ ठीक है। दिलीप अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। वो समझ जाता है कि उसे झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। सुदेश दिलीप को दोष देते हुए कहता है, जीजा जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि यक्षिणी अभी नहीं मरी है, पर आप ही मेरी बात नहीं मान रहे थे। मायाधारी जी खुद कह रही थी कि उन्होंने यक्षिणी को नहीं मारा था, पर आप ही नहीं सुन रहे थे किसी की, अपनी अपनी कर रहे थे। दिलीप अभी भी अकड़ते हुए कहता है, अगर यक्षिणी मरी नहीं थी तो उसने पिछले 9 महीने से कोई शिकार क्यों नहीं किया था। दिलीप का सवाल सुनकर सुदेश चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास दिलीप के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिलीप अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, यक्षिणी मर गई थी और ये बात तू अपने दिमाग में अच्छे से डाल ले, और अब वो लौट कर आ गई है, कैसे ये मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो वापस आ गई है। सुदेश दिलीप को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तो फिर अब क्या करना है जीजा जी? दिलीप को इशारा देते हुए कहता है, तुझे पता तो है कि हमें इस मुसीबत से अब कौन बचा सकता है। सुदेश दिलीप का इशारा समझते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, अब वही हमें बचा सकती है। मैं आज रात ही मायाधारी जी के पास जाने के लिए निकल जाता हूँ। दिलीप कहता है, तू अकेला नहीं, इस बार मैं भी चलूंगा तेरे साथ, क्योंकि इस बार मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया है। मर्दों तक तो ठीक था, पर अब उस यक्षिणी ने सारी हदें लांघ दी हैं। अब वो औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाने लग गई है। सुदेश डरते हुए कहता है, मुझको तो डर लग रहा है जीजा जी, कहीं हमारे किए की सजा वो यक्षिणी हमारी पत्नियों को ना दे दे। दिलीप सुदेश को दिलासा देते हुए कहता है, तू डर मत सुदेश, मैंने कहा ना कल सुबह हम निकल रहे हैं मायाधारी जी के पास जाने के लिए। सुदेश हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कल सुबह क्यों जीजा जी, अभी निकलते हैं ना, जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। दिलीप सुदेश को समझाते हुए कहता है, मायाधारी जी के लिए गोटियों का भी तो इंतजाम करना है ना, वो करने में थोड़ा वक्त लगेगा, रात हो जाएगी और रात को अब हवेली से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कल सुबह ही निकलना ठीक रहेगा। सुदेश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है जीजा जी, फिर मैं जाने की तैयारी कर लेता हूँ। इतना कहकर सुदेश वहां से चले जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी अपने घर में अपनी 8 साल की बच्ची के साथ थी। वर्चस्विनी अपनी बच्ची को चम्मच से खाना खिला रही थी, पर वो खाने में नाटक कर रही थी। वर्चस्विनी की बच्ची का रंग उसी की तरह गोरा था, पर तबीयत खराब होने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल आ गए थे, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाई है। उसके बाल भी बिखरे हुए और कमजोर थे, जो कि टूटते जा रहे थे। उसके बिस्तर पर उसके कई सारे टूटे हुए बाल गिरे थे। वर्चस्विनी अपनी बेटी को चम्मच से दलिया खिला रही थी। वर्चस्विनी अपनी बेटी को दलिया खिलाते हुए कहती है, तारा बेटा मुंह खोलो। वर्चस्विनी की बेटी तारा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। वर्चस्विनी बड़े प्यार से बोलती है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, बुरी बात होती है, चलो जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो आप, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे दवाई नहीं खानी, वो बहुत कड़वी होती है। वर्चस्विनी कहती है, तारा बेटा आप दवाई खाओगी तभी तो जल्दी ठीक होगी ना, जब आप ठीक हो जाओगी तो आपकी मम्मा आपको घुमाने ले जाएगी और ढेर सारी चॉकलेट दिलाएगी, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाओ। उसी कमरे में वर्चस्विनी के मम्मी पापा की तस्वीर लगी हुई थी। जब तारा की उस पर नजर पड़ती है तो वो बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछती है, माँ नाना नानी कब आएंगे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये एक ऐसा सवाल था जिसे वर्चस्विनी ने अंदर से छोड़कर रख दिया था, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले इसी घर में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसने ये बात अपनी बच्ची को अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि उस वक्त उसकी हालत बहुत गंभीर थी और वो ये खबर सुनाकर उसकी तबीयत और खराब नहीं करना चाहती थी। वर्चस्विनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, अगर आप जल्दी से खाना फिनिश करोगे तो आपके नाना नानी जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना फिनिश कीजिए। वर्चस्विनी के कहने पर तारा जल्दी जल्दी खाने लग जाती है, क्योंकि तारा को उसके नाना नानी बहुत प्यारे थे। खाना खाने के बाद तारा दवाई भी खा लेती है। तारा अपना सिर वर्चस्विनी की गोद में रखती है और वर्चस्विनी लोरी गाते हुए तारा को सुराने लग जाती है। वर्चस्विनी लोरी गाते हुए कहती है, परियों की रानी है तू,
मेरी दुलारी है तू, परियों की रानी है तू, मेरी दुलारी है तू, मुझसे कभी जुदा ना होना, मेरी जिंदगी की कहानी है तू, परियों की रानी है तू, चंदा जागे है सारी रात किसके लिए, मेरी तारा को निंदिया लगाने के लिए, परियों की रानी है तू, मेरी दुलारी है तू। वर्चस्विनी बार बार अपना हाथ तारा के सिर पर रख रख के उसे सुलाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे वो तारा के सिर पर हाथ रखते जा रही थी, तारा के बाल झड़ते जा रहे थे। तारा के इतने तेजी से बाल झड़ रहे थे कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। एक बच्ची के इस तरह बाल झड़ना एक सोचने वाली बात थी। अभी तारा की 2 मिनट पहले आंख लगी ही थी कि तभी वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है और बिना पलक झपकाए एकटक नजर से पंखे को देखने लग जाती है। वर्चस्विनी नॉर्मल पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही क्या? तारा घूमते हुए पंखे को ही देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वर्चस्विनी को तारा की बात समझ में नहीं आती है और वो तारा को फिर से सुलाने की कोशिश करते हुए कहती है, सो जाओ तारा, ये क्या बोल रही हो, सो जाओ, देखो 11 बजने वाले हैं, अच्छे बच्चे 9 बजे ही सो जाते हैं। तारा अपनी बात पर अड़ी रहती है और फिर बड़बड़ाती है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वर्चस्विनी को इस बार तारा की बात समझ में आ जाती है और वो तारा की बात को दोहराते हुए कहती है, कोई आ रहा है पर कौन? वर्चस्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसे किसी के पैरों के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। कोई उसके पास ही अपने कदम बढ़ा रहा था। कमरे में सन्नाटा होने की वजह से कदमों की आहट एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। वर्चस्विनी सोच में पड़ जाती है, घर पर तो वो और सिर्फ तारा ही थी, तो फिर ये तीसरा शख्स कौन था जो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वर्चस्विनी सोच में पड़ जाती है, घर पर तो वो और सिर्फ तारा ही थी, तो फिर ये तीसरा शख्स कौन था जो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था? कदमों की आहट धीरे धीरे तेज हो गई थी और उसके साथ ही वर्चस्विनी के दिल की धड़कन भी तेज होते जा रही थी। वर्चस्विनी तारा को अपनी गोद में से उठाती है और जल्दी से दराज में से अपनी रिवॉल्वर निकाल लेती है। वर्चस्विनी की भी सांसें जोरों से चलने लग गई थी, पर तारा थी कि अभी भी वही बात दोहराई जा रही थी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वर्चस्विनी तारा के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, चुप हो जाओ तारा। तारा चुप हो जाती है। वर्चस्विनी अपनी रिवॉल्वर दरवाजे पर दाग देती है ताकि जैसे ही कोई दरवाजे से अंदर घुसे वो उस पर हमला कर दे। वर्चस्विनी हमला करने के लिए तैयार थी, वो समझ गई थी कुछ ही सेकेंड में कोई उसके सामने आने वाला था। कदमों की आहट अब और तेज हो गई थी। वर्चस्विनी पूरी तरह तैयार थी, उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख ली थी। वो शख्स अगले ही पल वर्चस्विनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वर्चस्विनी ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी वर्चस्विनी की नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है और वो अपनी उंगली पीछे खींच लेती है। वर्चस्विनी अपनी रिवॉल्वर नीचे कर लेती है। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, चार्ली तुम। वर्चस्विनी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर चार्ली दंग रह गया था। वो समझ गया था कि यदि सही वक्त पर वर्चस्विनी उसका चेहरा नहीं देखती तो अब तक उसका राम राम सत्य हो चुका होता। चार्ली सिविल ड्रेस में था, इसी वजह से वर्चस्विनी को उसे पहचानने में देर लगी थी। चार्ली ने अपने एक हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी।
वर्चस्विनी हैरानी के साथ चार्ली से पूछती है, चार्ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? चार्ली अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, वो मैडम जी मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। वर्चस्विनी अपनी रिवॉल्वर वापस से दराज में रखती है और तारा को बेड पर सुलाते हुए कहती है, तारा बेटा आप सो जाओ, मम्मा अब भी आती है। इस वक्त चार्ली की नजर तारा पर ही गड़ी हुई थी। चार्ली तारा को घूरे जा रहा था। तारा को देखने के साथ ही उसकी नजर बेड पर टूटे पड़े तारा के बालों पर भी पड़ गई थी, साथ में दीवारों पर भी जो तारा ने गोदी हुई थी क्रियोन रंग से। उस पर कुछ अजीब अजीब से चित्र बनाकर रखे हुए थे उसने। चार्ली उन सब चीजों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि तभी उसके पास वर्चस्विनी आ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, कमरे में क्या देख रहे हो चार्ली ऐसे? चार्ली बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं मैडम जी, बस ऐसे ही, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बिल्कुल आप पर गई है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि चार्ली की मटकती आंखों को देखकर वो समझ गई थी कि चार्ली उससे झूठ बोल रहा है, बात कुछ और ही थी। बात करने के लिए वर्चस्विनी चार्ली को हॉल की तरफ ले जाने लगती है। चार्ली वर्चस्विनी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। वर्चस्विनी और चार्ली दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, तो बताओ चार्ली ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जिसके लिए तुम मेरे घर तक चले आए, वो भी इतनी रात को? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो मैडम जी आप शाम को पुलिस स्टेशन आने वाली थी ना, पर आप आई नहीं थी तो मैं आ गया। वर्चस्विनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, चार्ली सीधे सीधे कहो ना तुम कहना क्या चाहते हो, घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? चार्ली एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोल पड़ता है, वो मैडम जी जिस औरत की सुबह लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, वही देने के लिए आया हूँ। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, तुम इतनी दूर से बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए आए हो? चार्ली नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ मैडम जी आपने ही तो कहा था कि आपको जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, इसलिए लेकर आ गया। वर्चस्विनी चार्ली के हाथ की फाइल लेती है और उसके पेज पलटाते हुए कहती है, कुछ पता चला? चार्ली मायूसी के साथ कहता है, मैडम जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कुछ पता नहीं चला, पर हाँ मैंने औरत के बारे में पता किया। मरने वाली औरत का नाम शांता है और उसके पति रवि का कहना है कि उस रात को वो किश्नोई नदी पर दिया जलाने गई थी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, दिया जलाने गई थी पर क्यों? चार्ली जवाब देता है, वो मैडम जी गांव में नई प्रथा बनी है अमावस्या और पूर्णिमा की रात नदी पर दिया जलाने की, ताकि यक्षिणी वापस ना आए, पर हो सकता है उस रात शांता से कोई गलती हो गई हो तभी यक्षिणी वापस आ गई। पहले तो वर्चस्विनी चार्ली को घूरते रहती है, फिर चिढ़ते हुए कहती है, ये इंसान भी ना पता नहीं कौन कौन सी प्रथाएं बना देते हैं, प्रथाओं ने ही इंसान के विकास को रोक कर रखा है। चार्ली बड़बड़ाता है, मैडम जी ये प्रथाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं, ये ना हो तो इंसान हैवान बन जाए। वर्चस्विनी कहती है, जिस वक्त शांता का खून हुआ उस वक्त उसका पति रवि कहां पर था? चार्ली जवाब देता है, रवि अपने घर पर था मैडम जी, वो क्या है ना प्रथा के अनुसार सिर्फ औरतें ही घाट पर जा सकती हैं दिया जलाने, फिर जब गांव की सब औरतें दिया जला ले उसके बाद मर्द वहां पर जा सकते हैं। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, चार्ली तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? चार्ली झट से कहता है, नहीं मैडम जी मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता। वर्चस्विनी कहना जारी रखती है, रुको अभी तुम्हें अजीब लगने लग जाएगा, अगर तुम्हारी पत्नी सारी रात घर पर नहीं आएगी गायब रहेगी तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? चार्ली घबराते हुए कहता है, अजीब क्या मैडम जी मेरी तो जान ही निकल जाएगी। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, वही चार्ली मुझे तो गुनहगार रवि ही लगता है, तुम नजर रखो उस पर। चार्ली हाँ में अपना सिर हिला देता है और सोफे पर से उठते हुए कहता है, ठीक है मैडम जी फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर चार्ली ने दो तीन कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर अपने सिर पर हाथ मारते हुए वर्चस्विनी से कहता है, शिट जिस काम के लिए मैं आया था उसके बारे में तो बताना ही भूल गया। वर्चस्विनी पूछती है, और किस काम के लिए आए थे चार्ली तुम? चार्ली सोफे पर बैठता है और फुसफुसाते हुए कहता है, मैडम जी आपको वो ताज के बारे में याद है ना, वो यक्षिणी वाला ताज। वर्चस्विनी याद करते हुए कहती है, तुम उसी ताज के बारे में बात कर रहे हो ना जो हमें सुधा और हरिया के पास से मिला था, जिसे उन्होंने रतनपाली की तिजोरी में से चुराया था। चार्ली वर्चस्विनी की बात से हामी भरते हुए कहता है,
हाँ मैडम जी, मैं उसी ताज के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उस ताज के बारे में एक अपडेट मिला है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, तुम्हें उस ताज के बारे में क्या पता चल गया चार्ली? जितना मुझे याद है, उस ताज के लिए मैंने तुम्हें दिलीप पर निगरानी रखने के लिए कहा था, पर उससे भी कुछ पता नहीं चला था, इसलिए फिर मैंने केस बंद होने के साथ ही ताज के बारे में भी पता करने से मना कर दिया था। चार्ली कहता है, हाँ मैडम जी, पर जब तक आपने मना किया उससे पहले ही मैंने जाल बिछा दिए थे। वर्चस्विनी बिचकते हुए कहती है, जाल बिछा दिए से तुम्हारा क्या मतलब है? चार्ली वर्चस्विनी को पूरी बात समझाते हुए कहता है, वो क्या है ना मैडम जी, कुछ महीने पहले मैं अपनी पत्नी के साथ बनवारी जौहरी वाले के पास गया था। वहां पर मैंने देखा कि उस जौहरी के पास बहुत सारे ताज रखे हुए थे। वो ज्यादातर ताज ही बेचा करता था, उसे ताज की अच्छी परख थी। फिर मेरे मोबाइल में ही ताज की फोटो थी जो मैंने उसे दिखाई, पर उसे भी उस ताज के बारे में कुछ नहीं पता था। पर उसका कहना था कि ये ताज दिखने में तो नॉर्मल है पर अनमोल है, और उसे वही खरीदेगा जो इसके बारे में जानता हो। इतना कहकर चार्ली चुप हो जाता है। वर्चस्विनी तुरंत चार्ली से पूछती है, फिर क्या हुआ चार्ली? चार्ली टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए आगे कहता है, मैडम जी, बनवारी जौहरी ने मुझे बताया कि उसके पास ताज के बहुत खरीदार आते हैं। फिर क्या था, मैंने ताज की फोटो उसके मोबाइल में ट्रांसफर की और उसके दुकान में उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए कह दिया और कहा कि जैसे ही कोई खरीदार मिलता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। चार्ली फिर चुप हो जाता है। वर्चस्विनी चार्ली को देखते हुए कहती है, तो कोई खरीदार मिला? चार्ली जवाब देता है, हाँ मैडम जी, मिल गए, वो भी एक नहीं दो दो, और वो दोनों उस ताज की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर बस वो ताज चाहिए। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ पूछती है, कौन है चार्ली वो दोनों खरीदार? चार्ली अपने कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, वो तो अभी नहीं पता मुझे मैडम जी, पर मैंने बनवारी जौहरी से उन दोनों को कल सुबह उसकी दुकान पर बुलाने के लिए कहा है और वो कल आने वाले हैं। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया चार्ली। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक वही खूनी हो जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि वो खूनी आखिर ताज के पीछे ही तो पड़ा था। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, पर मैडम जी, उस हीरे का क्या जो उस ताज के अंदर से गायब है? वो तो हमें अभी तक नहीं मिला। वर्चस्विनी कहती है, हो सकता है कि वो हीरा खूनी के हाथों लग गया हो और अब उसे सिर्फ ताज की जरूरत हो, पर ताज को हम उसके हाथ इतनी आसानी से लगने नहीं देंगे। ताज अब एक जरिया है उस खूनी के पास पहुंचने का। कल सुबह तुमने उन दोनों को कितने बजे मिलने के लिए बुलाया है? चार्ली कहता है, 12 बजे मैडम जी। वर्चस्विनी कहती है, ठीक है, फिर कल 12 बजे तैयार रहना, आखिर मैं भी तो देखूं वो कौन है जो ताज को खरीदने में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस तरफ रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, किश्नोई नदी के आसपास उतनी खामोशी छाते जा रही थी। किश्नोई नदी पर उदासी का आलम छाया हुआ था, वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। घाट पर एक भी जुगनू नहीं दिखाई दे रहा था, वो यामिनी के जाने के साथ ही गायब से हो गए थे। वो पेड़ पौधे जो खिलखिलाते हुए लहराते रहते थे, यामिनी के जाने से अब वो भी मुरझाए हुए रहा करते थे, ठीक युग की तरह, जिस तरह अब वो हमेशा मुरझाया हुआ रहता था। इस वक्त युग भी किश्नोई नदी के पास बंगला मुड़ा घाट पर बैठा हुआ था और यामिनी को याद कर रहा था। युग रोज रात में इसी घाट पर आया करता था और अपनी यामिनी को याद किया करता था। युग की आंखें नम थी। युग यामिनी को याद करते हुए कहता है, वापस आ जाओ यामिनी, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वापस आ जाओ यामिनी। युग के यामिनी कहने की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। उसे बार बार यामिनी यामिनी ही सुनाई देने लग जाता है। युग ने ये बात तो अपना ली थी कि यामिनी यक्षिणी थी, पर वो ये बात आज तक नहीं अपना पाया था कि यामिनी मर चुकी है। उसे आज भी यही लगता था कि यामिनी जिंदा है और एक दिन वापस जरूर आएगी। प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं जो अपने प्रेमी का सदियों तक इंतजार करते हैं, वो उनके वापस लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ते हैं। युग मायूसी के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो यामिनी, मुझे बहुत देर लगी ये समझने में कि तुम ही मुझसे सच्चा प्यार करती हो। प्यार का असली मतलब तो तुमने मुझे सिखाया है। वापस आ जाओ यामिनी, वापस आ जाओ। इतना कहकर युग रोने लग जाता है। कहते हैं मर्द कभी रोते नहीं, पर ऐसा नहीं है, मर्द भी रोते हैं तब जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। दुनिया के सामने वो अपने आंसू अपने मर्द शब्द के पीछे छुपा लेते हैं।
युग नदी के पानी को देखते हुए कहता है, तुम्हें याद है यामिनी, तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हें याद करूंगा तो तुम जरूर आ जाओगी। आज मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है यामिनी। इतना कहकर युग अपनी आंखें बंद करता है और दिल से यामिनी को याद करते हुए मन ही मन कहता है, आई लव यू यामिनी, आई लव यू, वापस आ जाओ, अपने युग बाबू के लिए वापस आ जाओ। इतना कहकर युग अपनी आंखें खोल लेता है। उसे लग रहा था जब वो अपनी आंखें खोलेगा उसके सामने उसकी यामिनी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। आंखें खोलने के बाद भी उसके सामने सिर्फ सुनसान घाट था और कुछ नहीं। युग यामिनी को याद करते हुए रोने लग जाता है। युग रोते हुए कहता है, तुम वापस क्यों नहीं आती यामिनी, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यही सब बड़बड़ाते हुए युग रो ही रहा था कि तभी पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी के अंदर बुलबुले उठना शुरू होने लग जाते हैं। जैसे युग को बुलबुले उठने की आवाज सुनाई देती है, युग रोना बंद कर देता है। वो अपनी जगह पर से उठता है और नदी के पास जाने लग जाता है। जब वो नदी के पानी के अंदर देखता है तो उसे पानी में उसकी छाया दिखाई देने लग जाती है। उसी के बगल में उसे एक लड़की की छाया भी दिखाई देती है, जिसका चेहरा उसे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके कपड़े क्लियर दिखाई दे रहे थे। उसने यामिनी की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। युग ये सब देखकर खुश हो जाता है। युग नदी के नजदीक जाने लग जाता है और वो देखता है कि उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि यामिनी ही खड़ी हुई थी, वही काली साड़ी पहनकर जिसमें वो उसे छोड़कर गई थी। युग अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, यामिनी तुम आ गई, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर लौट कर आओगी अपने युग बाबू के लिए, तुम आ गई यामिनी, तुम आ गई। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, यामिनी तुम आ गई, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर लौट कर आओगी अपने युग बाबू के लिए, तुम आ गई यामिनी। यामिनी की छाया पानी में देखकर युग की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। निकलते भी कैसे नहीं, पूरे 9 महीने बाद उसने यामिनी का चेहरा देखा था। उसके पास तो यामिनी की एक तस्वीर तक नहीं थी जिसे देखकर वो अपने आंसू बहा सके। पानी के अंदर यामिनी युग को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। यामिनी की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है, रोइए मत युग बाबू, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। रोया तो उनके लिए जाता है जो हमसे दूर जाते हैं, मैं तो हमेशा आपके पास हूं, आपके दिल में। युग अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं अब कभी नहीं रोऊंगा यामिनी, तुम जो वापस आ गई हो। युग एकटक नजर से पानी के अंदर यामिनी की छाया देख रहा था। युग के दिल में यामिनी को छूने की इच्छा जागने लग जाती है। वो उस रात को आज तक नहीं भुला पाया था जब वो और यामिनी एक जिस्म हुए थे। युग यामिनी को छूने के लिए पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे ही यामिनी की छाया को छूता है, यामिनी वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर युग चिल्ला उठता है, यामिनी। युग अपने बगल में देखता है जहां पर पानी में यामिनी उसे खड़ी हुई दिख रही थी, पर यामिनी वहां पर भी नहीं थी। युग फिर पानी में देखता है, पर यामिनी वहां पर भी नहीं थी। ये सब उसका एक वहम था, एक कल्पना थी जो उसके दिमाग ने गढ़ी थी। युग यामिनी को पुकारने लग जाता है, यामिनी यामिनी यामिनी। युग यामिनी को पुकार ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके कंधों पर हाथ रख देता है। इस बार सच में किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा था, ये उसका वहम नहीं था। युग खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था यामिनी तुम यही हो, तुम छुप गई थी ना, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई है ना। इतना कहकर युग खुशी खुशी पीछे मुड़ने लग जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी खुशी एक पल में मायूसी में बदल जाती है। उसके पीछे जो शख्स खड़ा हुआ था, उसकी युग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस वक्त वो वहां पर होगा। युग के पीछे और कोई नहीं बल्कि कायर खड़ा हुआ था।
जो उसे हैरानी के साथ घूरे जा रहा था। कायर युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, युग तू फिर यहाँ पर आ गया? तुझे कितनी बार बोला कि रात में अकेले घाट पर मत आया कर, पर तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? युग बावरे की तरह कहता है, यामिनी कायर, यामिनी यही थी, अभी वो मुझसे बात कर रही थी। कायर युग को समझाते हुए कहता है, युग यामिनी यहाँ पर कैसे हो सकती है, वो मर गई है और तूने ही तो हमें ये बात बताई थी ना, भूल गया? युग कायर की बात नहीं मानता है और अपनी धुन में कहता है, नहीं कायर, यामिनी जिंदा है, उसने अभी मुझसे बात की, वो यही थी। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है युग को कल सुबह डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। इसकी दिमागी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिन में कहता है यामिनी मर गई और रात होते ही इसे यामिनी दिखने लग जाती है, वो जिंदा हो जाती है। पिछले कई महीनों से इसका यही नाटक चल रहा है। कायर युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग तू चल मेरे साथ घर चल। युग कायर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं कायर, मैं नहीं आऊंगा, यामिनी आती ही होगी, उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं उसे याद करूंगा वो जरूर आएगी, वो आती ही होगी, मुझे अपनी यामिनी पर पूरा विश्वास है। कायर युग को फिर समझाते हुए कहता है, युग यामिनी नहीं आने वाली, मेरी बात समझने की कोशिश कर, यामिनी मर चुकी है। युग गुस्से के साथ कहता है, यामिनी नहीं मर सकती, वो जिंदा है, मैं अपनी यामिनी को अच्छे से जानता हूँ, वो जरूर वापस आएगी, देखना तू। कायर अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, युग मुझे ना तेरी ये बकवास बातें नहीं सुननी, समझा तू, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, एक तो मेरा मुशायरा कैंसिल हो गया, ऊपर से तूने फिर पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी, तू चुपचाप मेरे साथ चल, समझा तू। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा जब तक यामिनी नहीं आ जाती। कायर युग का फिर हाथ पकड़ते हुए कहता है, यामिनी कभी नहीं आने वाली, समझा तू, देखता हूँ तू कैसे मेरे साथ नहीं चलता है, अगर तू जिद्दी है तो तेरे साथ रहकर मैं भी जिद्दी बन गया हूँ। कायर ने युग का हाथ कसकर पकड़ लिया था, उसकी पकड़ से युग अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था पर छुड़ा नहीं पा रहा था। कायर जबरदस्ती युग का हाथ खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लग जाता है। एक तरफ कायर अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था तो दूसरी तरफ युग अपने प्यार का, उस प्यार का जिसके लिए वो अब भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था और अपनी किस्मत को चुनौती दिए जा रहा था कि कैसे यामिनी उसे मिलती नहीं है। सुबह के 8 बज गए थे। रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर सभी लोगों की नींद खुल चुकी थी। दिलीप और सुदेश मायाधारी के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे। सफर में जो जो सामान उन्हें लगना था उसे उन्होंने एक बैग में पैक कर लिया था, जिसे इस वक्त सुदेश अपनी पीठ पर लादे हुए था। जानकी, वंदना, रजनी और अमोदिता भी उस वक्त वहीं पर खड़ी हुई थी। सिर्फ जानकी ही अनजान थी कि दिलीप और सुदेश कहां जा रहे थे। वंदना, रजनी और अमोदिता को तो पता चल गया था कि दिलीप और सुदेश मायाधारी के पास जा रहे थे। जानकी हिचकिचाहट के साथ दिलीप से पूछती है, एजी आपका जाना जरूरी है क्या? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, तुझे कितनी बार बोला जाते वक्त ऐसे टोका मत कर, अशुभ होता है। दिलीप का गुस्सा देखकर जानकी घबराने लग जाती है और अपना एक कदम पीछे खींच लेती है। सुदेश जानकी से कहता है, जानकी दीदी हमारा जाना जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। जानकी अगले ही पल पूछती है, ऐसा क्या जरूरी काम करने जा रहा है सुदेश तू अपने जीजा जी के साथ? सुदेश फटाक से जवाब देते हुए कहता है, वो यक्षिणी लौट आई है ना, तो उसके लिए हम माया। सुदेश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दिलीप गुस्से से उबलते हुए कहता है, तू यहीं पर पंचायत शुरू कर दे, एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं, औरत की तरह बातें करवा लो। दिलीप का गुस्सा देखकर सुदेश एकदम चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना बोलने में ही उसकी भलाई थी। दिलीप फिर सुदेश पर गुस्सा करते हुए कहता है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जल्दी वापस भी तो आना है। सुदेश हां में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी जी जा जी चलिए। दिलीप का सुदेश पर चिल्लाना ये बात रजनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रजनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन सोचती है, दिलीप तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे पति पर रोब दिखाता है, एक बार तू वापस लौट कर आ जा, फिर मैं दिखाती हूँ एक सौदाइन के पति पर गुस्सा करने का क्या हश्र होता है, अगर तुझे गूंगा नहीं बना दिया तो मैं भी सौदाइन नहीं।
सौदाइन होने की वजह से अमोदिता के साथ वंदना भी रजनी के मन की बात सुन लेती है, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। दोनों समझ जाती हैं कि रजनी का गुस्सा करना जायज है। कोई भी पत्नी अपने पति को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती है। दिलीप और सुदेश जाने के लिए अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी दरवाजे की दहलीज पर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी कभी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं करी थी। दिलीप और सुदेश हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे की दहलीज पर मायाधारी और उसकी सेविका दीपा खड़ी हुई थी। दिलीप खुशी से फूले नहीं समाता और कहता है, मायाधारी जी आप, मैं आपके ही पास आ रहा था। आप तो अंतर्यामी निकली, आपको कैसे पता चला कि यक्षिणी वापस आ गई है? आप उसी को मारने के लिए आई है ना? मायाधारी और दीपा दोनों शॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या कहा, यक्षिणी वापस आ गई है? मायाधारी और दीपा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सुदेश ये बात समझ गया था कि यक्षिणी के वापस आने के बारे में उन दोनों को जरा सी भी भनक नहीं थी। सुदेश बिचकते हुए पूछता है, आपको नहीं पता क्या कि यक्षिणी वापस आ गई? अगर नहीं पता तो फिर आप दोनों यहाँ पर किस काम से आई हैं? मायाधारी अपने आने के कारण को छुपाते हुए कहती है, मैं किस काम से आई हूँ वो तुम लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं। दिलीप फिर सुदेश पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मेहमानों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? भला मेहमान से कोई ऐसे सवाल पूछता है कि वो किस काम से आए है? दिलीप अपने हाथ जोड़ते हुए मायाधारी से माफी मांगते हुए कहता है, मायाधारी जी, इस सुदेश की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बड़ा तो हो गया पर दिमाग अभी भी बच्चों की तरह ही है। आप आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मायाधारी और दीपा हवेली के अंदर आने लग जाते हैं। दिलीप पहली फुर्सत में मायाधारी और दीपा को अपने कमरे में ले जाता है ताकि उनके बीच होने वाली बातें किसी को पता ना चले। दिलीप, मायाधारी, दीपा और सुदेश एक कमरे के अंदर थे और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया गया था। दिलीप मायाधारी और दीपा को सारी बात बता देता है जो भी घटना गांव में घटी थी। दिलीप फिर अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हमें बचा लीजिए मायाधारी जी, हमें बचा लीजिए, वो यक्षिणी वापस आ गई है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसने आते से ही औरतों का शिकार करना शुरू कर दिया। मायाधारी को दिलीप की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा, औरतों का? दिलीप अपनी बात आगे जारी रखता है, हाँ मायाधारी जी, औरतों का, हमें बचा लीजिए मायाधारी जी वरना वो हमें भी मार देगी। सुदेश भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मायाधारी जी, हमें बचा लीजिए, अब आप ही हमारा सहारा है। मायाधारी दिलीप और सुदेश को दिलासा देते हुए कहती है, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, उस यक्षिणी से मैं निपट लूंगी। पिछली बार वो बच गई थी पर अब नहीं बच पाएगी। दीपा कुछ सोचते हुए मायाधारी से पूछती है, पर गुरु माँ, आखिर यक्षिणी औरतों का शिकार कैसे कर सकती है? मायाधारी दीपा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जब किसी के अंदर की हवस बढ़ जाती है तो वो कुछ भी कर देता है। 9 महीने से यक्षिणी ने शिकार नहीं किया था। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो यक्षिणी मरी नहीं है, पर ये मूर्ख दिलीप और सुदेश ने ही मेरी बात नहीं मानी। दिलीप और सुदेश अपना सिर नीचे कर लेते हैं। मायाधारी आगे कहती है, मुझे लगा ही था कि किसी का शिकार ना करने के पीछे जरूर यक्षिणी की कोई साजिश थी, पर ये नहीं पता था कि उसकी इतनी बड़ी साजिश होगी। दिलीप पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, क्या साजिश थी मायाधारी जी यक्षिणी की? मायाधारी जवाब देती है, यक्षिणी ने 9 महीने तक इसलिए किसी मर्द का शिकार नहीं किया क्योंकि वो अपने अंदर की हवस बढ़ा रही थी और उसकी हवस अब इतनी बढ़ गई कि उसने औरतों का शिकार भी करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है, मर्दों के शिकार करने से तो उसे शक्तियां मिलती ही हैं, पर औरतों का शिकार करने से उसे दुगुनी शक्तियां मिलती हैं। उसने ये सब अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए किया है। मायाधारी की बात सुनकर सुदेश और दिलीप दंग रह गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यक्षिणी के 9 महीने तक शिकार ना करने के पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती थी। दीपा भी हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब गुरु माँ, यक्षिणी कभी मरी ही नहीं थी? मायाधारी जवाब देती है, हाँ दीपा, उसने एक चाल चली थी जिसमें हम सब फंस गए, पर अब चाल चलने की हमारी बारी है। दिलीप बौखलाहट के साथ कहता है, हाँ मायाधारी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जल्दी से कोई चाल चलिए और बचा लीजिए हमें उस यक्षिणी से। मायाधारी दिलीप को घूरते हुए कहती है, तू तो अपना मुंह बंद ही रख मूर्ख, ये सब तेरी गलती के कारण ही हुआ है,
कि यक्षिणी की इतनी शक्ति बढ़ गई है। अगर मेरी बात मान लेता कि यक्षिणी नहीं मरी है तो ये मुसीबत खड़ी ही नहीं होती। दिलीप को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। मायाधारी आगे कहती है, अब जो करना है सोच समझ कर करना पड़ेगा, और वो भी सब्र के साथ, वरना सबकी जान को खतरा है, मेरी भी। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, दिलीप, सुदेश और दीपा तीनों के दिल कांप जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो मायाधारी के मुंह से ये सुन रहे थे कि खुद उनकी जान को खतरा था। इस तरफ मेहंदीपथार पुलिस स्टेशन में चार्ली कुर्सी पर बैठा हुआ था और वर्चस्विनी के आने का इंतजार कर रहा था, पर वर्चस्विनी अभी तक नहीं आई थी। चार्ली बार बार वर्चस्विनी को फोन कर रहा था, पर उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। चार्ली खुद से कहता है, ये मैडम जी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं, वैसे तो वक्त से पहले आ जाती है, पर आज जब इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है तो अभी तक नहीं आई। चार्ली वर्चस्विनी को याद ही कर रहा था कि तभी वहां पर वर्चस्विनी आ जाती है। वर्चस्विनी बहुत हड़बड़ी में लग रही थी, उसने ड्रेसअप भी ठीक से नहीं किया था, टी शर्ट की सेटिंग बिगड़ी हुई थी, उसकी आंखों से समझ आ रहा था कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई है। वर्चस्विनी हवालात के अंदर घुसते ही हड़बड़ाहट के साथ कहती है, सॉरी चार्ली, मुझे आने में देर हो गई, वो क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद रात भर मेरी बेटी तारा सो नहीं पाई और उसी के चक्कर में मैं भी नहीं सो पाई, फिर कब सुबह आंख लगी और खुली पता ही नहीं चला। चार्ली कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी कहती है, अब तुम कुर्सी पर क्या बैठे हुए हो, बनवारी जौहरी के पास चलना नहीं है क्या? चार्ली कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, चलना है ना मैडम जी। इतना कहकर चार्ली कुर्सी पर से उठा ही था कि टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लग जाता है। चार्ली टेलीफोन को देखते हुए कहता है, इसे भी अभी बजना था। इतना कहकर चार्ली टेलीफोन उठाते हुए कहता है, हेलो, मेहंदीपथार पुलिस स्टेशन, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? चार्ली टेलीफोन पर बात करने लग जाता है। जैसे जैसे वो बातें करता जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लग जाती है। चार्ली टेलीफोन पर बात करते हुए कहता है, ओह शिट, ये नहीं हो सकता। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। चार्ली टेलीफोन पर बात करते हुए कहता है, ओह शिट, नहीं, ये नहीं हो सकता। चार्ली अभी भी फोन पर बात ही कर रहा था, और जैसे जैसे बात होते जा रही थी, उसकी हालत खराब होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई हो उसके माथे, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चार्ली बात करते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग अभी आते हैं वहां पर, तुम वहीं पर रहना और किसी भी चीज को छूना मत। इतना कहकर चार्ली झट से फोन रख देता है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ चार्ली, तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? चार्ली जल्दी जल्दी जवाब देता है, मैडम जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसे सुनकर आप भी बौखला जाएंगी। वर्चस्विनी झट से पूछती है, ऐसा क्या हो गया चार्ली, तुम बताओगे? चार्ली हकलाते हुए कहता है, वो बनवारी जौहरी है ना, जिसके पास अभी हम लोग जाने वाले थे। वर्चस्विनी कहती है, हाँ तो? चार्ली परेशान होते हुए कहता है, तो उसका किसी ने खून कर दिया है। वर्चस्विनी हैरान होते हुए कहती है, क्या? चार्ली अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, मुझे अभी उसकी दुकान से ही कॉल आया था, कल रात ही उसका किसी ने खून कर दिया है। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, तुम जल्दी गाड़ी निकालो चार्ली, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना पड़ेगा। चार्ली गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहता है, जी मैडम जी, चलिए। वर्चस्विनी और चार्ली वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर अभी भी सो रहा था, क्योंकि रात भर वो युग की निगरानी कर रहा था कि कहीं वो फिर से घाट पर ना चले जाए। इसी वजह से कायर रात भर सो नहीं पाया था और इस वक्त वो युग के बिस्तर पर चैन की नींद ले रहा था। कायर सो रहा था कि खिड़की से सूरज की किरणें कमरे के अंदर आने लग जाती हैं, जो सीधे कायर के चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिस कारण कायर की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर बगल में देखता है, जहां पर रात में उसने युग को सुलाया था, पर युग इस वक्त वहां पर नहीं था। ये देखकर कायर घबरा जाता है। वो बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, ये युग कहां चला गया, कहीं वो फिर से घाट पर तो नहीं गया? इतना कहकर कायर बिस्तर पर से उठा ही था कि वो देखता है कि युग उसी कमरे के अंदर था और ट्रेवल बैग में अपने कपड़े पैक कर रहा था। कायर बिचकते हुए युग से पूछता है, युग,
तू कहीं जा रहा है क्या? युग अपना शर्ट बैग में रखते हुए कहता है। हाँ, कायर झट से पूछता है, कहाँ पर? कहीं तू वापस से बैंगलोर तो नहीं जा रहा? युग चिढ़ते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? मैं बैंगलोर क्यों जाऊंगा? युग अपने कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मेरा तो सब कुछ यहीं पर है। इतनी मुश्किल से तो स्टार्टअप शुरू हुआ है, उसे बीच रास्ते थोड़ी छोड़कर जा सकता हूँ। कायर युग को घूरते हुए कहता है, अगर बैंगलोर नहीं जा रहा तो फिर कहाँ जा रहा है तू? युग जवाब देता है, वो मैंने तुझे कल बताया था ना कि बांस की फसल काटने के लिए मशीनें लेने जाना है, तो गुवाहाटी के पास ही 2-3 डीलर से बात की है, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। जो मशीनें सस्ती लगाएगा उससे ले लूंगा, 3-4 मशीनें खरीदनी है। कायर युग को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, कब तक वापस आएगा? युग फटाक से जवाब देता है, 2-3 दिन लग जाएंगे, तभी तो कपड़े ले जा रहा हूँ, डेली आना जाना थोड़ी कर पाऊंगा। कायर बड़बड़ाता है, 2-3 दिन? ये तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे। कायर बुलंद आवाज में युग से कहता है, युग तू एक काम कर, तू आज मत जा, तू कल चले जाना। युग बिचकते हुए कहता है, आज क्यों नहीं जाऊं? कायर तुरंत कहता है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, डॉक्टर के पास? क्यों, किसे क्या हो गया? देखने से तो तू ठीक दिख रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है? कायर अपने हाथों से युग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी तबीयत तो ठीक है पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गया कल रात क्या कांड किया था तूने? युग अनजान बनते हुए कहता है, मैंने क्या कांड कर दिया? कांड करने की आदत तो तेरी और कछुए की थी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, वो दिन गए जब मैं और कछुए कांड करते थे, पर अब तू कांड करने लग गया है, और ये तेरा नया नहीं तेरा पुराना कांड है, तेरी वही पुरानी आदत, बंगला मुडा घाट पर पागलों की तरह यामिनी यामिनी चिल्लाना, उसके लिए रोना और कहना प्लीज यामिनी वापस लौट कर आ जाओ। युग चिढ़ते हुए कहता है, तू फिर शुरू हो गया कायर, कितनी बार बोला यामिनी मर चुकी है, वो वापस लौट कर नहीं आ सकती। कायर गुस्सा करते हुए कहता है, युग तेरी प्रॉब्लम ना यही है, तू दिन में कुछ कहता है और रात में कुछ। युग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे रात को क्या हुआ था उस बारे में कुछ याद ही नहीं था। युग अपने सिर पर जोर देते हुए कहता है, रात को तुम्हें चुपचाप बेड पर सो रहा था, तू किस बारे में बात कर रहा है? कायर अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, युग मुझे ना कुछ नहीं सुनना, ना ही मैं इस मूड में हूँ कि तुझे बताऊं कि रात को क्या क्या हुआ था, तू ना मेरे साथ चुपचाप डॉक्टर के पास चल, समझा? युग कायर को मना करते हुए कहता है, नहीं कायर मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। कायर झट से कहता है, क्यों, आखिर डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत क्या है? युग कायर को समझाते हुए कहता है, जब मुझे कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मैं एकदम ठीक हूँ, समझा? और वैसे भी मैंने कहा ना मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास वैसे ही वक्त बहुत कम बचा है, जल्द से जल्द बांस की फसल काटनी है, अगर फसल जल्दी नहीं कटी तो दिक्कत हो जाएगी, बैंक का लोन चुकाना है वरना बैंक वाले जान ले लेंगे मेरी। युग के इतने सारे एक्सक्यूज सुनकर कायर कुछ नहीं बोलता है, वो समझ गया था युग उसकी बात नहीं मानने वाला। हाँ, अगर अभिमन्यु होता तो शायद उसकी बात युग मान लेता, पर इस वक्त कायर अकेला पड़ गया था, उसके साथ ना अभिमन्यु था और ना ही कछुआ। कायर हार मानते हुए कहता है, ठीक है तू जा सकता है, पर हाँ जब वापस लौटेगा तो मेरी तसल्ली के लिए प्लीज एक बार डॉक्टर के पास चल लेना। युग इस बात को मजाक में लेते हुए कहता है, हाँ हाँ चल दूंगा। युग ट्रेवल बैग पकड़ते हुए कहता है, अच्छा चल ठीक है फिर मैं जाता हूँ, मेरी गैर हाजिरी में मेरी ग्रेवयार्ड कोठी का ध्यान रखना, ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। कायर मुंह बनाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, ऐसा क्या है इस ग्रेवयार्ड कोठी में जो ये तुझे तेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है? युग भी ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, आखिर इसी ग्रेवयार्ड कोठी में तो उन्होंने अपना दम तोड़ा था। युग की आंखें नम हो जाती हैं। कायर ये बात समझ जाता है और युग को गले लगाने लग जाता है। युग कायर से अलविदा लेता है और वहां से निकल जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी और चार्ली जौहरी की दुकान के अंदर थे, वहीं पर जौहरी की लाश पेट के बल पड़ी हुई थी जिसके गले पर खून जम गया था। ऐसा लग रहा था कि हमलावर ने उसके गले पर ही वार किया था। जौहरी की लाश के आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। लाश की अलग अलग एंगल से फोटो ली जा रही थी। दुकान के अंदर ही करीब 27 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा हुआ था जिसने एकदम फिट शर्ट पहना हुआ था जो उस पर जच रहा था। वो लड़का काफी स्मार्ट, हैंडसम और पढ़ा लिखा लग रहा था। चार्ली उस लड़के से कहता है, तो वो तुम ही हो जिसने हमें फोन किया था? वो लड़का कहता है, जी सर मैंने ही किया था। वर्चस्विनी उस लड़के से पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा?
जी मैम, विशाल धानु का। चार्ली उस पर शक करते हुए पूछता है, यहाँ पर किस काम से आए थे? विशाल जवाब देता है, वो सर मैं बाजार से गुजर रहा था, तभी मेरी इस ज्वेलरी शॉप पर नजर पड़ी और मैंने देखा कि दुकान खुली हुई थी पर बाहर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे गड़बड़ लगी और मैं सीधा अंदर घुसा चलाया। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। मैंने उसी वक्त आपको कॉल कर दिया। वर्चस्विनी और चार्ली इसके आगे विशाल से कुछ नहीं पूछते हैं। वर्चस्विनी दुकान के अंदर छानबीन करने लग जाती है। वो देखती है कि दुकान के अंदर के जो गहने जवाहरात थे वो कांच के शोकेस में वैसे ही सजे हुए लग रहे थे। उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, ना ही उनसे कुछ छेड़छाड़ की गई थी। वर्चस्विनी आसपास कुछ छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी बनवारी की लाश की तरफ पड़ती है। जब वर्चस्विनी उसकी लाश के पास बैठती है तो उसे बनवारी के सीने का भाग कुछ उठा हुआ लगता है, जैसे उसके सीने के अंदर कुछ डाला गया हो। वर्चस्विनी बनवारी की लाश को पलटने लग जाती है। चार्ली भी उसकी मदद करने लग जाता है। जैसे ही बनवारी की लाश पलटती है, वर्चस्विनी और चार्ली के होश उड़ जाते हैं। उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। बनवारी का सीना गोल्ड की तरह चमक रहा था। उसके सीने के अंदर किसी ने गोल्ड से बनी हुई कुछ चीज डाल दी थी और वो गोल्ड की चीज पूरी तरह बनवारी के खून से लथपथ हो गई थी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, ये इसके सीने के अंदर क्या है चार्ली? चार्ली सीने के अंदर देखने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं मैडम जी। वर्चस्विनी अपना हाथ बनवारी के सीने के अंदर डालने लग जाती है। बनवारी के सीने के अंदर पहले ही बहुत बड़ा छेद हो गया था, ठीक इतना बड़ा कि एक हाथ आराम से अंदर जा सकता था। वर्चस्विनी को बनवारी के सीने के अंदर हाथ डालने में बहुत अजीब लग रहा था, पर मजबूरी में डालना पड़ रहा था। चार्ली ने तो घिन के कारण अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। कुछ ही देर बाद जब वर्चस्विनी अपना हाथ बनवारी के सीने से बाहर निकालती है तो उसका हाथ भी खून से लथपथ हो जाता है। उसके हाथ में ताज था जो ठीक यक्षिणी के ताज की तरह दिख रहा था और गोल्ड की तरह शाइन कर रहा था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, ये तो वही ताज है ना जो हमें हरिया के पास से मिला था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था ना? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, ये नकली ताज है मैडम जी, मैंने ही इसकी एक नकली कॉपी यहाँ पर रखवाई थी ताकि डीलर ये बात सुनकर कि ताज यहीं पर रखा है तुरंत आ जाए। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, चार्ली तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी जब तुमने ये फैसला लिया था? बनवारी की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया मैडम जी? वर्चस्विनी कहती है, तुम नहीं हो तो कौन है? तुम्हें पता था ना वो साइको किलर इसी ताज के पीछे पड़ा हुआ है, उसे पता चल गया होगा कि ताज यहाँ पर रखा है इसलिए वो यहाँ पर आ गया। जब उसे पता चला कि ताज नकली है तो उसने बनवारी को मार दिया। चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, मैडम जी जरूरी थोड़ी है कि उसका खून उस साइको किलर ने किया होगा, कोई और भी तो कर सकता है। वर्चस्विनी कहती है, कौन करेगा चार्ली? तुम्हें दिख नहीं रहा कि दुकान का एक सामान तक गायब नहीं है? इससे ये बात साफ पता चलती है कि खून ताज के लिए ही किया गया है। वो तो अच्छा हुआ कि खून घाट पर नहीं हुआ, वरना तुम फिर कहते कि ये खून भी यक्षिणी ने ही किया होगा। चार्ली अपने किए पर पछतावा करते हुए कहता है, सॉरी मैडम जी, सारी गलती मेरी ही है, मुझे नकली ताज नहीं रखना चाहिए था। वर्चस्विनी कुछ नहीं कहती, अपना सिर दूसरी तरफ फेर लेती है। चार्ली बनवारी की लाश को देखते हुए कहता है, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि कोई सच में यक्षिणी की आड़ में लोगों का खून कर रहा है। कोई ना कोई साइको किलर तो जरूर है, क्योंकि अगर इसे यक्षिणी ने मारा होता तो इसका दिल भी गायब होता, साथ में इसके शरीर का खून भी। आप देखना, मैं उस साइको किलर को जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। वर्चस्विनी बनवारी की लाश को अच्छे से देखने लग जाती है। तभी उसकी नजर बनवारी की गर्दन पर पड़ती है जहां पर खून जमा हुआ था। वर्चस्विनी गर्दन के पास गौर से देखते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने बनवारी की गर्दन को दांत से काटा हो। चार्ली उस निशान को देखते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, पर इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? वर्चस्विनी बनवारी की लाश की गर्दन के पास हाथ लगाते हुए कहती है, ये किसी इंसान के दांत के निशान तो नहीं लगते, किसी जानवर के लग रहे हैं। चार्ली बिचकते हुए कहता है, पर कोई जानवर यहाँ पर कहाँ से आएगा और गर्दन पर कैसे काट देगा? वर्चस्विनी कहती है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। चार्ली, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और दुकान के अंदर के सीसीटीवी फुटेज निकालो,
पिछले 48 घंटे में जिससे भी बात करी है बनवारी ने, सबके नंबर निकालो और दो, और उन दो डीलर का भी जो ताज की कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो गए थे। पता करो कि कहाँ के रहने वाले थे वो और आज आने वाले हैं या नहीं। चार्ली हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मैडम जी, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। ये मामला तो बहुत पेचीदा हो गया है मैडम जी। पहले तो मुझे लग रहा था कि यक्षिणी ये सब कर रही है, पर बनवारी के खून के बाद लगता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। चार्ली हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मैडम जी, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। ये मामला तो बहुत पेचीदा हो गया है मैडम जी। पहले तो मुझे लग रहा था कि यक्षिणी ये सब कर रही है, पर बनवारी के खून के बाद लगता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है। वर्चस्विनी बनवारी की लाश के पास से उठते हुए कहती है, मैं तो कब से तुमसे यही कह रही हूँ चार्ली, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते कहाँ हो, बस यक्षिणी यक्षिणी करते रहते हो। चार्ली को अपनी सोच पर पछतावा होने लग जाता है। अब उसे भी लगने लग गया था कि इन सब के पीछे कोई और ही था। वर्चस्विनी और चार्ली दुकान के अंदर छानबीन कर ही रहे थे कि तभी दुकान के अंदर दो आदमी घुसे चले आते हैं जो बहुत ही हड़बड़ाहट में लग रहे थे। जब उन दोनों की नजर बनवारी जौहरी की लाश पर पड़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों ही झट से बनवारी की लाश के पास जाते हैं और रोते हुए एक साथ कहते हैं, सेठ जी उठिए सेठ जी, ये आपको क्या हो गया। चार्ली उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहता है, अरे कौन है ये और ऐसे अंदर किसने आने दिया इन्हें, जाटव क्या है ये। जाटव की बाहर से आवाज आती है, चार्ली जी मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये रुके ही नहीं। चार्ली चिढ़ते हुए कहता है, कैसे काम करते हो जाटव, लगता है मुझे ही इन्हें निकालना पड़ेगा अब अपने तरीके से। वर्चस्विनी चार्ली को मना करते हुए कहती है, रुक जाओ चार्ली, तुम्हें दिख नहीं रहा कितने आंसू बहा रहे हैं ये दोनों बनवारी की मौत पर, जरा पता तो करने दो कौन है ये। वर्चस्विनी उन दोनों से पूछती है, कौन हो तुम दोनों। पहला आदमी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैडम जी मेरा नाम अंबर है। दूसरा आदमी फर्श पर से उठते हुए कहता है, मैं पीताम्बर हूँ। चार्ली मजे लेते हुए कहता है, अंबर और पीताम्बर, वाह क्या नाम है, भाई भाई हो क्या तुम दोनों। अंबर कहता है, जी साहब मैं बड़ा भाई हूँ और ये पीताम्बर मेरा छोटा भाई है। वर्चस्वी ने उन दोनों का हुलिया देखते हुए पूछती है, ये बनवारी क्या लगता है तुम्हारा। अंबर जवाब देता है, मैडम जी बनवारी जी सेठ हैं हमारे, हम दोनों पिछले 10 सालों से यहीं पर काम करते हैं। वर्चस्विनी अंबर और पीताम्बर पर शक करते हुए पूछती है, अच्छा तो तुम काम करते हो यहाँ पर। वही तो मैं इतनी देर से सोच रही थी कि ये वर्कर कहाँ चले गए, बनवारी तो इतनी बड़ी दुकान अकेले संभाल नहीं सकता। वर्चस्विनी अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहती है, 1 बजने वाले हैं, तुम लोग इतनी लेट दुकान खोलते हो क्या। पीताम्बर डरते हुए जवाब देता है, वो मैडम जी आज सोमवार है ना तो मार्केट बंद रहता है, ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं इसीलिए आज के दिन लेट दुकान खोलते हैं। वर्चस्विनी फिर पूछती है, मतलब आज के दिन तुम्हारा सेठ बनवारी दुकान खोला करता था। अंबर वर्चस्विनी को बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं नहीं मैडम जी, दुकान तो हम दोनों ही खोलते और बंद करते थे, फिर चाहे मार्केट बंद हो या खुला। पर अंबर इतना कहकर चुप हो जाता है और पीताम्बर की तरफ देखने लग जाता है जैसे कोई सी बात थी जो वो बताने में डर रहे थे। वर्चस्विनी उन दोनों भाइयों को देखते हुए कहती है, पर क्या चुप क्यों हो, आगे बोलो। पीताम्बर धीरे धीरे जवाब देता है, कुछ दिनों से ना सेठ जी बहुत परेशान लग रहे थे, कल रात जब हम दोनों दुकान बंद करने जा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि तुम दोनों जाओ मैं बंद कर लूंगा। अंबर बीच में ही कहता है, हमने कहा सेठ जी हम रुक जाते हैं कुछ देर और, पर सेठ जी ने कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे देर हो जाएगी तुम दोनों जाओ। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब कल रात बनवारी दुकान पर ही रुका हुआ था। पीताम्बर कहता है, पता नहीं मैडम जी, पर सेठ जी के पास इसकी दूसरी चाबी भी रहती है इसलिए हम दोनों चले गए थे, और अब जब लौटे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे सेठ जी का किसी ने खून कर दिया है, अब हमारा क्या होगा, एक वही तो सहारा थे। इतना कहकर पीताम्बर रोने लग जाता है, उसके साथ ही अंबर भी। वर्चस्विनी इसके आगे उन दोनों से कुछ नहीं पूछती है। विशाल हिचकिचाहट के साथ वर्चस्विनी से पूछता है, तो मैडम मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। वर्चस्विनी कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही चार्ली कहता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, पहले कुछ जान पहचान तो हो जाए। विशाल हैरानी के साथ कहता है, जान पहचान, कैसी जान पहचान। चार्ली अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, पुलिस स्टेशन चलो सब पता चल जाएगा। इस तरफ रोंका मुचा गांव में हवेली के अंदर अमोदिता आईने के सामने बैठी हुई थी।
उसके बाल खुले हुए थे और उसने आंखों में सूरमा लगाया हुआ था। उसने काला कुर्ती पैजामा पहना हुआ था। आईने में अपने आप को देखते हुए वो बार बार एक मंत्र दोहराते जा रही थी और अपने चेहरे पर बार बार हाथ फेरते जा रही थी। अमोदिता आईने के अंदर देखते हुए मंत्र का जाप करते हुए कहती है, ओम एम रीम षोडश मातृका भ्योर नमः, ओम एम रीम षोडश मातृका भ्योर नमः। अमोदिता बार बार इसी मंत्र का जाप कर रही थी और अपने चेहरे पर हाथ फेरते जा रही थी। अमोदिता ये सब कर ही रही थी कि तभी वहां पर रजनी आ जाती है। रजनी अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, अमोदिता ये तू क्या कर रही है? अमोदिता रजनी की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी आईने के सामने अपना चेहरा देखकर मंत्र का जाप किए जा रही थी। रजनी फिर अमोदिता से पूछती है, नालायक लड़की मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलिए क्या कर रही है? अमोदिता अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है। वो मंत्रों का जाप करने में इतनी मग्न थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि रजनी उसके कमरे में आ गई थी और उसे आवाज लगाई जा रही थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, नालायक लड़की ये क्या बड़बड़ा रही है, तू होश में तो है ना, तू आंखें खोलकर तो नहीं सो गई? रजनी के हिलाने पर अमोदिता का ध्यान भटक जाता है और वो चिढ़ते हुए कहती है, माँ ये क्या किया तुमने, इतनी देर से साधना कर रही थी, सारी मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। रजनी बिचकते हुए कहती है, क्या कहा तूने, साधना कर रही थी, ये दिन दहाड़े कौन सी साधना कर रही थी? अमोदिता अपनी दो उंगली को क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचने लगती है, ये मैंने क्या बोल दिया, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी इजाजत के बिना टोना कर रही थी, वरना माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। अमोदिता झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तो फिर ये आईने के सामने खुले बाल करके आंखों में सूरमा लगाकर क्या कर रही थी? और हाँ, तूने तो काले कपड़े भी पहने हुए हैं, और हम सौदाइनें अक्सर तभी काले कपड़े पहनती हैं जब हमें काला जादू करना होता है। सच सच बोल, क्या कर रही थी तू, कौन सा टोना कर रही थी? अमोदिता अपनी बात पर अड़ी रहते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, मैं कोई सा टोना नहीं कर रही थी, मैं तो आईने के सामने तैयार हो रही थी गाना गाते हुए। आपको गाने की आवाज ही मंत्रों की तरह लग गई होगी। वो क्या है ना, आपने इतना काला जादू किया है कि आपको मेरे गाना गुनगुनाने की आवाज भी मंत्रों की तरह लग रही होगी। रजनी अमोदिता का गुस्से से हाथ पकड़ते हुए कहती है, देख अमोदिता, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। बताती है कि कौन सा टोना कर रही थी या नहीं, वरना मेरे पास दूसरे भी रास्ते हैं जुबान खोलने के। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि उसे रजनी को सच बताना ही पड़ेगा, वरना वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अमोदिता धीरे धीरे कहती है, माँ मैं मातृका साधना कर रही थी। रजनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा, मातृका साधना? ये तो वही साधना है ना जो सुंदर बनने के लिए की जाती है। अमोदिता रजनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ, ये वही साधना है जिससे व्यक्ति दिखने में आकर्षक लगने लग जाता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, उसका रंग निखर जाता है चाहे उसका रंग कैसा भी हो। मातृका मंत्र व्यक्ति को स्वाभाविक एवं शारीरिक दोनों रूप से सुंदर बना देता है। जैसे जैसे अमोदिता मातृका साधना के बारे में बताती जा रही थी, रजनी के अंदर गुस्सा भरते जा रहा था। रजनी गुस्से से फूल गई। रजनी अपना सारा गुस्सा अमोदिता पर निकालते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे मैंने समझाया था ना कि कोई भी साधना मुझसे पूछे बिना मत करना, फिर क्यों करी? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपना सिर नीचे कर लेती है। रजनी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर अमोदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, ये बता, इस साधना के बारे में कैसे पता चला तुझे? अमोदिता धीरे धीरे जवाब देती है, वो किताब थी ना, तंत्र मंत्र यंत्र वाली, उसमें ये साधना लिखी हुई थी। इसमें कुछ सामान नहीं लगना था, बस आईने के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करना था, इसलिए करने लग गई, ताकि युग जी मुझे देखते से अट्रैक्ट हो जाए और हमें कोई सा टोना करने की जरूरत ना पड़े। रजनी अमोदिता के सिर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहती है, नालायक लड़की, कुछ सामान नहीं लगना था तो तुझे क्या लगा ये साधना आसानी से सिद्ध हो जाएगी? ऐसा नहीं है, जगह भी साधना के लिए जरूरी होती है, ये तेरे कमरे के अंदर साधना सिद्ध नहीं होने वाली। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मैं तो तहखाने के अंदर ये साधना करने जाने वाली थी, पर तुम्हें पता तो है उस पर मायाधारी ने कब्जा कर लिया है। रजनी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, सही कहा तूने, हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें छीन ली गई हैं, पर अब नहीं, अब हमारी बारी है लोगों के हाथों से चीजें छीनने की। पिछले 9 महीने से जब भी हमने युग पर टोना करने की कोशिश करी है, हर बार वंदना ने हमें रोक लिया है, पर अब नहीं। अमोदिता रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, हम क्या करेंगे माँ? रजनी अपना शातिर दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, पहले हमें वंदना की कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि वो हमारे रास्ते में ना आए,
और उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये वंदना सौदाइन कैसे बन गई। अमोदिता कहती है, हाँ माँ, मैं तो उस रात दंगी रह गई थी जब मुझे पता चला था कि वंदना भाभी भी सौदाइन है। पर माँ, एक बात समझ में नहीं आई। रजनी झट से पूछती है, कैसी बात? अमोदिता पूछती है, यही बात कि जब आपने विराट भैया पर टोना किया था, उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी भेजा था, तो ये बात वंदना भाभी को कैसे पता नहीं चली? उन्हें तो पता चल जाना चाहिए था कि उनके पति पर काला जादू किया गया है। आखिर सौदाइनों को तो ये सब चीजें देखते से ही पता चल जाती है कि किस पर जादू किया गया है, किस पर नहीं। ये बात सुनकर रजनी के होश उड़ जाते हैं। रजनी असमंजस में पड़ते हुए कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अमोदिता बेटा, एकदम सही कड़ी पकड़ी है तूने कहानी की। अब तू देखना इस वंदना के सौदाइन बनने की कहानी का कैसे पता लगाती हूँ मैं। हिम के पांच भंडार यानी कंचनजंगा, जो कि पांच पर्वत शिखरों का समूह है, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच में स्थित है। कंचनजंगा का एक भाग भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो बाकी का नेपाल देश में। इसकी ऊंचाई करीब 28,169 फुट है, जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहते हैं इस चोटी की चढ़ाई चढ़ने में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसकी चढ़ाई चढ़ना इतना आसान नहीं है। उसी चोटी पर एक बूढ़ा चढ़कर नग्नावस्था में बैठा हुआ था। उस बूढ़े की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर सफेद बर्फ ढकी हुई थी, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई सी साधना कर रहा था। उस बूढ़े के शरीर को सफेद बर्फ ने पूरी तरह ढक लिया था। वहां पर इतनी ठंड थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जाते से ही अपना दम तोड़ दे, पर वो बूढ़ा टस से मस नहीं हो रहा था। वो साधना करने में लगा हुआ था और कोई सा मंत्र बड़बड़ाया जा रहा था। उस बूढ़े को देखकर इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मायावी इंसान था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, पर उस बूढ़े पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस बूढ़े के सामने ही बर्फ के अंदर एक डंडा घुसा हुआ था, जिस पर एक पोटली टंगी हुई थी। पोटली और डंडे दोनों पर ही बर्फ जम गई थी। वो पोटली जानी पहचानी थी। वो पोटली और किसी की नहीं बल्कि यामिनी के बाबा की थी, और इस वक्त जो बूढ़ा कंचनजंगा पर साधना कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यामिनी के बाबा थे। यामिनी के बाबा की मंत्रों का जाप करने की आवाज हिमालय की चोटियों पर गूंजने लग गई थी। ठंड के कारण उनके होंठ तो कांप रहे थे, पर फिर भी वो पूरी श्रद्धा के साथ साधना करने में लगे हुए थे। उनके सामने ही एक बड़ा सा दीपक रखा हुआ था, जो इतनी तेज बर्फबारी में भी जल रहा था, जो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। वो दीपक कोई जादुई दीपक था, क्योंकि उसके अंदर ना ही तेल था ना ही कोई ज्वलनशील चीज, फिर भी वो जल रहा था। यामिनी के बाबा मंत्रों का जाप करते हुए कहते हैं, ओम ह्रीम हूम रक्ष कर्मणी आगच्छ कनकावती स्वाहा, ओम हूम रक्ष कर्मणी आगच्छ कनकावती स्वाहा। यामिनी के बाबा बार बार बस यही मंत्र दोहराए जा रहे थे। वो इतने लगन के साथ साधना कर रहे थे कि लग रहा था कि कुछ ही देर में उनकी साधना सिद्ध होने वाली है। यामिनी के बाबा और कोई सी नहीं बल्कि कनकावती यक्षिणी साधना कर रहे थे। वो पृथ्वी लोक पर एक और यक्षिणी को बुला रहे थे। आखिर क्यों यामिनी के बाबा एक और यक्षिणी पृथ्वी लोक पर बुलाकर क्या करना चाहते थे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यामिनी के बाबा और कोई सी नहीं बल्कि कनकावती यक्षिणी साधना कर रहे थे। वो पृथ्वी लोक पर एक और यक्षिणी को बुला रहे थे। आखिर क्यों यामिनी के बाबा एक और यक्षिणी पृथ्वी लोक पर बुलाकर क्या करना चाहते थे? यामिनी के बाबा अगला मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, ओम होम रक्ष कर्मणी आगच्छ कनकावती स्वाहा। यामिनी के बाबा कई दिनों से कनकावती यक्षिणी साधना कर रहे थे। इस बीच ना ही उन्हें भूख लगी थी ना ही प्यास। उन्होंने तो अपनी आंखें तक नहीं खोली थी। दिन और रात का उन्हें पता ही नहीं चलता था। साधनाएं इतनी ही लगन के साथ करनी पड़ती हैं, तभी जाकर वो सिद्ध होती हैं। आसपास के भयंकर मंजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही कोई सी बड़ी घटना कंचनजंगा की इस चोटी पर घटने वाली है। वो दीपक जो यामिनी के बाबा के सामने जल रहा था, उसकी लौ अचानक से तेज होने लग गई थी। वो लौ धीरे धीरे काफी बढ़ गई थी और उसकी तपिश इतनी ज्यादा हो गई थी कि यामिनी के बाबा भी
उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद उन्हें गर्मी महसूस होने लग गई थी। साधना करते वक्त ही यामिनी के बाबा के चेहरे पर रौनक आ गई थी। कामयाब होने के आसार दिखने लग गए थे। गर्मी बढ़ने के कारण यामिनी के बाबा के बदन पर बर्फ की जो परत जम गई थी वो पिघलने लग गई थी। यामिनी के बाबा का नग्न शरीर दिखने लग गया था। देखते ही देखते भयंकर बर्फबारी होने लग जाती है, पर यामिनी के बाबा तब भी नहीं रुकते हैं। वे लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर कनकावती यक्षिणी साधना सिद्ध करनी थी। यामिनी के बाबा मंत्रों का जाप कर ही रहे थे कि वो दीपक की लौ जो बढ़ गई थी एकदम से बुझ जाती है और उसके अंदर से बुझी बाती का धुआं निकलने लग जाता है। जैसे ही धुएं की गंध यामिनी के बाबा के नथुनों में घुसती है, यामिनी के बाबा मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और तुरंत अपनी आंखें खोल लेते हैं। यामिनी के बाबा की आंखें एकदम लाल हो गई थी। उनके आंखों की पुतली तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। यामिनी के बाबा गुस्से के साथ उस दीपक पर जोर से हाथ मारते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीपक कहीं दूर जाकर कंचनजंगा की बर्फ से ढके पर्वत पर गिर जाता है। यामिनी के बाबा की आवाज चोटी पर गूंजने लग जाती है। वो खुद पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, आखिर क्यों? ये यक्षिणी साधना मुझसे सिद्ध क्यों नहीं होती? कितने महीनों से इसे सिद्ध करने में लगा हुआ हूँ। इसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, यहाँ तक कि इस कंचनजंगा पर भी आ गया जिसे धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, पर यहाँ पर भी मुझसे यक्षिणी साधना सिद्ध नहीं हो पाई, क्यों? यामिनी के बाबा अपने आप से बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्यों उनसे यक्षिणी साधना सिद्ध नहीं हो पा रही थी। अगर एक भक्षानर से यक्षिणी साधना सिद्ध हो सकती थी तो यामिनी के बाबा से क्यों नहीं? वो तो आखिर एक यक्ष थे जो यक्षिण लोक से ही आए थे, जिनका नाम रज्जन था। रज्जन गुस्से के साथ कहता है, सोचा था मैं महाकाल के बनाए नियम के विरुद्ध चले जाऊंगा, पर आज ज्ञात हुआ मैं क्या संसार का कोई भी प्राणी महाकाल के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। सबको उसी के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि एक यक्ष कभी यक्षिणी साधना नहीं कर सकता। यक्षिणी साधना करने का हक यक्ष के पास नहीं है। हम यक्षों के घमंड के कारण महादेव ने हमसे यक्षिणी साधना करने का हक छीन लिया था। इतना कहकर रज्जन यक्ष चुप हो जाता है। धीरे धीरे रज्जन यक्ष का गुस्सा शांत होने लग गया था। रज्जन यक्ष खुद से कहता है, सोचा था दूसरी यक्षिणी बुला लूंगा जो मेरे पाप से मुक्ति दे देगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। एक यक्षिणी ही मुझे मेरे पाप से मुक्ति दिला सकती है। अब क्या करूं? मैं कैसे अपने पाप से मुक्ति पाऊं? पाप से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, तभी मुझे मेरी शक्तियां वापस मिलेंगी। रज्जन यक्ष सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कैसे अपने पाप से मुक्ति पाए। रज्जन यक्ष अपने किए पर अफसोस करते हुए कहता है, मुझे वो पाप करना ही नहीं चाहिए था, ना ही मैं वो पाप करता और ना ही मुझसे मेरी शक्तियां छिनती। क्या करूं, कैसे अपने पाप से मुक्ति पाऊं? रज्जन सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फिर खुद से बड़बड़ाता है। अब एक ही रास्ता बचा है और वो ये, मुझे यामिनी को जिंदा करना पड़ेगा, उसकी लाश को ढूंढना होगा। अभिशाप खत्म ना होने के कारण उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही होगी। सारी गलती मेरी है, मुझे उसी वक्त यामिनी की लाश ढूंढ लेनी चाहिए थी, पर मैं डर गया था कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे, जिस तरह उसने मेरी बच्ची यामिनी को मार दिया था। रज्जन अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, पर अब मैं किसी से नहीं डरने वाला। इस पाप से मुक्ति पाए बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे किसी भी हालत में यामिनी को जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर वही यक्षिणी है जो मुझे मेरे पाप से मुक्ति दिला सकती है। और मैं आ रहा हूँ यामिनी, मेरी बच्ची तुझे जिंदा करने आ रहा हूँ। इतना कहकर रज्जन अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपनी पोटली पीठ पर टांग कर, लाठी हाथ में पकड़कर बंगला मुड़ा जाने के लिए पैदल पैदल निकल जाता है। शाम के 6:30 बज गए थे। ठंडा मौसम होने के बावजूद मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर गर्मी छाई हुई थी। छाती भी कैसे नहीं, बनवारी के खून की पूछताछ जो चल रही थी। वर्चस्विनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने की कुर्सी पर विशाल बैठा हुआ था। अंदर लॉकअप में अंबर और पीताम्बर दोनों की सख्ती के साथ पूछताछ चल रही थी। वो सच उगल दे इसलिए उन दोनों को डराया जा रहा था, जिसकी आवाज वर्चस्विनी और विशाल को साफ साफ सुनाई दे रही थी। डर के कारण विशाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब विशाल अपनी घड़ी में वक्त देखता है और उसे पता चलता है कि 6:30 बज गए, तो वो वर्चस्विनी पर नाराज होते हुए कहता है,
मैडम जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने मुझे अभी तक बिठाकर क्यों रखा हुआ है, मुझे जाने क्यों नहीं देती। वर्चस्विनी विशाल को आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं बनवारी के कुर्ते के ऊपर, कैसे जाने दूं तुम्हें, तुम हमारे शक के घेरे में हो। विशाल अपनी बेगुनाही की सफाई देते हुए कहता है, मैं आपको बता तो चुका हूँ कि जब मैं दुकान के अंदर आया था तो ये चेक करने के लिए कि कहीं बनवारी की सांसें तो नहीं चल रही, मैंने उसे छू कर देखा था, उसी वक्त मेरे हाथों के निशान वहां छूट गए होंगे। वर्चस्विनी अभी भी विशाल पर शक करते हुए पूछती है, बनवारी की सांसें चेक करते हुए छप गए या फिर उसकी सांसें छीनते हुए। विशाल परेशान होते हुए कहता है, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आप जरा खुद ही सोच कर देखिए, अगर मैंने बनवारी को मारा होता तो मैं खुद ही आपको फोन कॉल करके थोड़ी बुलाता, उसे मारने के बाद वहां से भाग नहीं जाता क्या। मैंने तो आप लोगों की मदद करी है, इंसानियत का फर्ज निभाया है, और आप हैं कि उल्टा मुझे ही फंसा रही हैं। सही कहती है माँ, इन पुलिस वालों के लफड़े में नहीं फंसना चाहिए, वरना ये आपको ही फंसा देते हैं, जब असली गुनहगार को नहीं पकड़ पाते हैं तो। वर्चस्विनी पलट कर कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही वहां पर चार्ली आ जाता है। चार्ली ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। चार्ली वो फाइल वर्चस्विनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है बनवारी की, और एक बहुत ही अजीब बात पता चली है। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, क्या पता चला है चार्ली। चार्ली जवाब देता है, मैडम जी वो बनवारी के गले पर जो जख्म का निशान था ना, जहां पर खून का थक्का जम गया था। वर्चस्विनी उस निशान को याद करते हुए कहती है, हाँ तो पता चला खूनी ने किस खंजर से वार किया था उसके गले के ऊपर। चार्ली झट से कहता है, खंजर से नहीं मैडम जी, बल्कि दांत से। वर्चस्विनी बिचकते हुए कहती है, क्या कहा, दांत से। चार्ली अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, दांत से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि किसी जानवर ने बनवारी के गले पर काटा है, उसी से उसकी मौत हुई है। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो चार्ली, ऐसा कैसे हो सकता है। चार्ली आगे कहता है, मैडम जी हो सकता नहीं बल्कि हुआ है, बनवारी के गले पर किस जानवर ने काटा है इसका पता तो नहीं चल पाया है, पर हाँ उस जानवर के बड़े ही खूंखार लंबे नुकीले दांत थे, तभी बनवारी के गले के आर पार हो गए थे। उसने एक साइड से बनवारी के गले पर काटा था तो उसके दूसरे साइड तक वो दांत चले गए थे, वो निशान में खुद देख कर आ रहा हूँ। चार्ली की बात सुनकर वर्चस्विनी आश्चर्यचकित रह गई थी, उसे अभी भी चार्ली की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने लग जाती है, पर उसमें भी वही लिखा हुआ था जो चार्ली ने कहा था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, किसी जानवर के काटने से मौत हुई, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही चार्ली, बनवारी जंगल में थोड़ी था जो उसे कोई जानवर काट खाए, वो अपनी दुकान में था शहर के अंदर, और शहर के अंदर किसी जानलेवा जानवर का घूमना मुश्किल है। वर्चस्विनी सोच ही रही थी कि बनवारी का खून कैसे और किसने किया होगा, तभी उसे कुछ याद आता है और वो चार्ली से पूछती है, चार्ली बनवारी की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेज निकालने बोला था मैंने, निकलवाई तुमने। चार्ली फटाक से कहता है, हाँ मैडम जी, निकलवा भी ली और चेक भी कर लिया, आज मैं सभी काम करके आया हूँ। वर्चस्विनी पूछती है, तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चला। चार्ली मायूसी के साथ जवाब देता है, नहीं मैडम जी, उससे भी कुछ पता नहीं चल पाया है। रात के वक्त जैसे ही अंबर और पीताम्बर दुकान से बाहर निकले थे, उसके एक घंटे बाद ही सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो गए थे। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या कहा तुमने, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे, पर कैसे। चार्ली जवाब देता है, पक्का तो नहीं पता मैडम जी, पर वो साइबर वाले का कहना था कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा कभी कभी हो जाता है। वर्चस्विनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टेबल पर रखते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है ना चार्ली, कैमरे भी तभी खराब हो रहे थे जब बनवारी का खून होना था, मुझे तो लगता है कि कैमरे खराब हुए नहीं बल्कि किए गए हैं। चार्ली झट से पूछता है, पर किसने मैडम जी। वर्चस्विनी कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही वहां पर जाटव आ जाता है जो इतनी देर से लॉकअप में अंबर और पीताम्बर दोनों भाइयों से पूछताछ कर रहा था। जाटव ने अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था जिससे वो कैदियों की धुलाई कर रहा था। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ जाटव से पूछती है, जाटव मुंह खोला उन दोनों ने। जाटव ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैडम जी नहीं खोला, वो अभी तक अपने उसी बयान पर अटके हुए हैं जो उन्होंने सुबह दिया था, उनकी आंखों की चमक देखकर तो मुझे यही लग रहा है वो सच कह रहे हैं। वर्चस्विनी कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसका माइंड ब्लैंक हो गया था, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। जाटव आगे कहना जारी रखता है, उनसे मैंने उन दो डीलर के बारे में भी पूछा था जो ताज लेने आने वाले थे, पर उनका कहना है कि उन्हें उस बारे में कुछ पता नहीं है,
उनको बस उस ताज का डुप्लीकेट बनाना था और वो उन्होंने बनवारी को बनाकर दे दिया था। उसके बाद ताज के सिलसिले में बनवारी की किससे क्या बात हुई कुछ पता नहीं चली। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली बनवारी की कॉल डिटेल्स निकलवाई तुमने? चार्ली खुश होते हुए कहता है, हाँ मैडम जी ये काम भी कर लिया मैंने, आपसे मैंने कहा ना आज मैं सारे काम करके आया हूँ। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, तो पता चला इस एक हफ्ते में कितने अननोन नंबर से बात की थी बनवारी ने, डीलर का नंबर मिला? चार्ली उखड़े लहजे में कहता है, नहीं मैडम जी उन दोनों डीलर का नंबर नहीं मिला। बनवारी के कॉल पर पिछले दो दिन में जितने कॉल आए थे ज्यादातर पहचान वाले के ही आए थे, उनमें डीलर का नंबर नहीं था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है चार्ली, बनवारी ने उन दोनों डीलर से फिर कॉन्टेक्ट कैसे किया होगा, वो तो आज सुबह उससे डील करने आने वाले थे ना। ना ही वो दोनों डीलर आए, ना ही उनका नंबर मिला, ऊपर से बनवारी का खून किसी ने और कर दिया। कल तक लग रहा था हम उस खूनी तक पहुंच जाएंगे, पर आज ऐसा लग रहा है सारे रास्ते फिर से बंद हो गए हैं। चार्ली और जाटव कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में पहला ऐसा केस देखा था जिसमें खूनी ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इससे बड़ा केस पहले कभी मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में नहीं आया था। विशाल जो वहीं बैठकर चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, जब उसकी घड़ी पर नजर पड़ती है और वो देखता है कि 7:05 कम थे, वो घबरा जाता है, उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, देखिए आप लोगों को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, मुझे जाने दीजिए, घर पर मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, वो परेशान हो रही होगी। वर्चस्विनी गुस्सा करते हुए कहती है, चुपचाप बैठे रह समझा, एक रात हवालात में गुजारेगा तो सुबह तक सब सच उगल देगा। विशाल डरते हुए कहता है, देखिए आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही हैं, मैं कह देता हूँ ये ठीक नहीं है, आप जानती नहीं है मेरी पहचान कहाँ तक है, मैं सब मीडिया प्रेस वालों को बता दूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा गुनाह ना होने के बावजूद भी मुझे बैठाए रखा, आप जैसे पुलिस वालों के कारण ही इंसान इंसान की मदद करने से कतराता है क्योंकि आप लोग उन्हें ही फंसाने का सोचते हैं। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, उसे भी अंदर ही अंदर लगने लग गया था कि विशाल का कहना ठीक था, वो उसे सारी रात पुलिस स्टेशन में बैठा कर नहीं रख सकती थी। विशाल कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, देखिए मुझे जाने दीजिए, अब मैं और नहीं रुक सकता, वरना सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। विशाल कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, देखिए मुझे जाने दीजिए, अब मैं और नहीं रुक सकता, वरना। इतना कहकर विशाल कुर्सी पर से उठ जाता है और पुलिस वालों को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, जैसे उसे किसी भी कीमत पर 7 से पहले कहीं जाना था। जैसे जैसे 7 में वक्त कम होते जा रहा था, विशाल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। चार्ली विशाल को गुस्से के साथ वापस से बैठाते हुए कहता है, वरना क्या रे तू पुलिस वालों को धमकी देता है, रुक जा अभी मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू घर जाता है, तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा ना आज रात कि तेरा जितना खून गर्म हो रहा है सब ठंडा पड़ जाएगा। विशाल डरते हुए कहता है, देखिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ सुबह से परेशान हो रही होगी, वो बेचारी अकेली रहती है घर में, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकता इसलिए ऐसा कह दिया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। विशाल का चेहरा देखकर जाटव को उस पर दया आ जाती है और वो वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वैसे मैडम जी इस लड़के का कहना ठीक है, हम इसे ऐसे सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रोक सकते हैं, अगर हमने ऐसा कर दिया तो उल्टा हम पर ही केस बन सकता है, फिर कोई इंसान किसी की मदद करने की नहीं सोचेगा, इस बेचारे ने तो हमें इन्फॉर्म करके हमारी मदद ही की है। वर्चस्विनी को भी विशाल का मासूम चेहरा देखकर उस पर दया आने लगती है और वो चार्ली को ऑर्डर देते हुए कहती है, चार्ली इसका नाम नंबर एड्रेस नोट करो और जाने दो इसे। चार्ली को ये उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्विनी विशाल को छोड़ने का ऑर्डर देगी। चार्ली बिचकते हुए कहता है, पर मैडम जी हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली जितना मैंने कहा है ना उतना करो समझे, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, ये सारा किया धरा ना तुम्हारा ही है, क्या जरूरत थी नकली ताज बनवारी की दुकान पर रखवाने की, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से भी तो काम चल सकता था,
चार्ली अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है। वो मैडम जी मुझे लगा ताज रखवा दूंगा तो वो डीलर जल्दी आ जाएंगे, पर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? असली ताज तो हमारे पास ही रखा है ना लॉकर नंबर 25 में, जहाँ पर सबूत रखे जाते हैं उस कमरे में। देखना वो खूनी जल्द ही हमारे हाथों लग जाएगा। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है। तुम उस खूनी को पकड़ने के ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, समझे? चार्ली पलट कर कुछ बोल पाता उससे पहले ही विशाल चार्ली के हाथ पकड़ते हुए कहता है, चार्ली जी मैं जाऊं? चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अरे रुक जा, बड़ी जल्दी हो रही है तुझे, सबर नहीं है क्या तेरे अंदर? कहीं किसी खास से मिलने तो नहीं जाना? चार्ली विशाल को शक भरी निगाहों से देखने लग जाता है। विशाल अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं चार्ली जी, मुझे किसी से मिलने नहीं जाना, बस जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना है, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। चार्ली अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ से कौन प्यार नहीं करता? इतना कहकर चार्ली विशाल के सामने एक रजिस्टर रख देता है और उसे पेन पकड़ाते हुए कहता है, ये ले, इसमें अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिख दे। विशाल फुर्ती के साथ चार्ली के हाथ से पेन छीनता है और रजिस्टर में लिखने लग जाता है। उसकी एक नजर अपने हाथ की घड़ी पर थी जिसमें वो बार बार वक्त देख रहा था, तो दूसरी नजर रजिस्टर पर। 7:03 कम थे, उससे पहले ही वो रजिस्टर में अपना नाम पता और नंबर लिख कर देता है और चार्ली से बिना कुछ बोले वहां से हड़बड़ाहट के साथ चले जाता है। चार्ली विशाल को जाते देख घूरते हुए कहता है, बड़ी जल्दी में है ये, कहीं पैंट के अंदर कुछ हो तो नहीं गया पुलिस वालों के डर से? इस तरफ रोंकमुचा गांव में मायाधारी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। उसके सिवा तहखाने के अंदर कोई नहीं था। मायाधारी ने फर्श पर शमशान की राख से एक चौकोन डब्बा बनाया था जिसमें उसने 4 लाइनें सी थी और 4 लाइनें आड़ी खींची थी, जिसके कारण एक बड़े से चौकोन डब्बे के अंदर 16 छोटे-छोटे डब्बे बन गए थे जिसमें हर डिब्बे के अंदर एक अंक लिखा हुआ था। वो अंक आगे पीछे क्रम से लिखे गए थे। मायाधारी के हाथ में एक कन खजूरा था जो उसके हाथ में ही रेंग रहा था। मायाधारी उस कन खजूरे को उस आकृति के ऊपर रख देती है। वो कन खजूरा वहीं पर रुक जाता है, अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। मायाधारी अपनी आंखें बंद करती है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखती है और मंत्र का जाप करने लग जाती है। जैसे ही मायाधारी मंत्र का जाप करना शुरू करती है वो कन खजूरा रेंगना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन मंत्रों से ही उस कन खजूरे को रेंगने की शक्ति मिल रही थी और वो उन छोटे छोटे डिब्बों के अंदर रेंग पा रहा था। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम यम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरम ह्रीम ओम नमः। मायाधारी बार बार यही मंत्र दोहराए जा रही थी और वो कन खजूरा कभी 10 नंबर के आसपास रेंगता तो कभी 2 नंबर के आसपास। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बड़े से चौकोन बॉक्स के अंदर जो लाइनें खींची गई थी वो कन खजूरा उन लाइनों के ऊपर रेंग रहा था, वो छोटे वाले डिब्बे के अंदर नहीं जा रहा था। मायाधारी मंत्रों का जाप करते जा रही थी और वो कन खजूरा बॉक्स के अंदर की लाइन पर रेंगते जा रहा था। तभी वहां पर मायाधारी की सेविका दीपा आ जाती है। दीपा तहखाने के अंदर घुसते हुए कहती है, गुरु माँ की जय हो, गुरु माँ की जय हो। जैसे ही मायाधारी के कानों में दीपा की आवाज पहुंचती है मायाधारी चुप हो जाती है, वो मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है। वो कन खजूरा जो मंत्रों की आवाज सुनकर रेंग रहा था वो जिस लाइन पर था वहीं पर रुक जाता है और देखते ही देखते अगले पल वो कन खजूरा अपने आप जलकर भस्म हो जाता है। मायाधारी कन खजूरे के जलने के साथ ही अपनी आंखें खोल लेती है और गुस्से से दीपा पर चीखते हुए कहती है, ये क्या किया दीपा तूने? दीपा हकलाते हुए कहती है, माफ कर दीजिए गुरु माँ, मुझे मैं तो आपके लिए आपकी गोटियां लेकर आई थी जो सुदेश ने मुझे अभी अभी लाकर दी थी। इतना कहकर दीपा मायाधारी को अपना हाथ दिखाने लग जाती है जिसमें उसने 4 जोड़ी आंखें पकड़ी हुई थी। मायाधारी कुछ कहती है उससे पहले ही उसकी दोनों आंखें अचानक से सड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर धंसने लग जाती है। मायाधारी की आंखें लाल भूरी पड़ने लग गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मायाधारी यहां वहां अंधों की तरह हाथ मारने लग जाती है। दीपा तुरंत मायाधारी के पास जाती है और उसकी पुरानी आंखों की जगह नई आंखें लगाने लग जाती है। कुछ ही देर में दीपा मायाधारी की आंखें चेंज कर देती है। दीपा मायाधारी से पूछती है, अब आप ठीक है ना गुरु माँ?
मायाधारी दीपा पर गुस्सा करते हुए कहती है, तेरी वजह से मेरी गोटियां व्यर्थ चली गईं। तुझे पता है ना, जब भी मैं कोई सा काला जादू करती हूँ तो उससे मेरी आंखों की शक्ति लगती है। इतना अच्छा काम बनने वाला था, तूने सब बिगाड़ दिया। आंख भी बर्बाद हो गई और काम भी नहीं हुआ। दीपा शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे कर लेती है। मायाधारी आगे कहती है, इस अंक पर टोने की मदद से बस उसका पता चलने ही वाला था, पर तू आ गई। दीपा खुश होते हुए कहती है, पता चलने वाला था गुरुमा? मतलब आपको यक्षिणी का पता चलने वाला था कि वो कहां पर छुपकर बैठी है? मायाधारी फिर गुस्सा करते हुए कहती है, यक्षिणी का नहीं, उसका, जिस चीज के लिए हम आए हैं। भूल गई हम यहाँ पर क्यों आए हैं? दीपा कुछ याद करते हुए कहती है, नहीं गुरुमा, मुझे याद है हम यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, पर मुझे लगा कि आप यक्षिणी का पता कर रही होंगी अभी। मायाधारी दीपा को समझाते हुए कहती है, करेंगे, यक्षिणी का पता भी करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। पहले वो काम करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो होना जरूरी है। दीपा हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर गुरुमा ये तो धोखा होगा ना, दिलीप और सुदेश हमें किसी और काम के लिए हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं और आंखें लाकर दे रहे हैं, और हम तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। मायाधारी दीपा के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, इसे धोखा नहीं कहते दीपा, हम अपने काम में कामयाब होंगे तभी तो उनका काम कर पाएंगे, यक्षिणी को मारना इतना आसान थोड़ी है। दीपा पलट कर कहती है, आप फिर से भैरव साधना करके उसे मार दीजिए ना गुरु माँ। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तुझे क्या लगता है, जब पिछली बार भैरव साधना सिद्ध नहीं हुई तो अब हो जाएगी? साधना करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है, और वो अभी मेरे पास नहीं है। ना ही दिलीप और सुदेश वापस से उतनी सारी आंखों का इंतजाम कर पाएंगे। सिर्फ इन चार जोड़ी आंखों का इंतजाम ही तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं, इसलिए पहले वो काम करेंगे, बाद में यक्षिणी का काम तमाम करेंगे। दीपा बड़े गौर से मायाधारी की बातें सुन रही थी और अपने शातिर दिमाग में बैठा रही थी। मायाधारी आगे कहती है, जब तक हमें वो चीज नहीं मिल जाती जिसके लिए हम आए हैं, दिलीप और सुदेश को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तहखाने के अंदर क्या कर रही हूँ। वो जब भी तुझसे कुछ पूछे तो बस कह देना, काम चल रहा है, यक्षिणी का अंत जल्द ही हो जाएगा, समझी? दीपा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी गुरुमा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। उन दोनों को इस बात की भनक ही नहीं लगने दूंगी कि तहखाने के अंदर कुछ और ही काम चल रहा है। इस तरफ कायर और बिंदु काला झाड़ी जंगल के अंदर थे और अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहे थे। अंधेरा होने लग गया था जिस कारण ठंड बढ़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। बिंदु डरी हुई थी, पर कायर के चेहरे पर डर के दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहे थे। वो तो उल्टा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जिस चीज का वो कई दिनों से सपने देख रहा था वो उसे आज मिलने वाली थी। बिंदु जहां पर थी वहीं पर रुकते हुए कहती है, ये ठीक नहीं है कायर, चलो वापस चलते हैं। कायर बिंदु को प्यार से समझाते हुए कहता है, क्या ठीक नहीं है बिंदु? बिंदु हिचकिचाते हुए कहती है, यही शादी से पहले वो सब करना। कायर हंसते हुए कहता है, बिंदु तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम पहली बार करने जा रहे हैं, इससे पहले भी तो कितनी बार किया है हमने, भूल गई कैसे तुम और मैं खेतों में। कायर इसके आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही बिंदु उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अब बस करो कायर, चुप हो जाओ, तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बातें बोलने में? कायर अपनी आंखें मटकाते हुए कहता है, जब करने में शर्म नहीं आती तो मुझे कहने में शर्म क्यों आएगी भला? बिंदु कायर को आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम ना कायर कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो, एक बार शादी हो जाने दो, फिर ना तुम्हारी सारी बोलती बंद करवा दूंगी। कायर मजाक करते हुए कहता है, शादी के बाद किसी की जुबान खुलती कहाँ है, इसलिए तो अभी बोल रहा हूँ। अब तुम खड़ी क्या हो बिंदु, आगे कदम बढ़ाओ, जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इतना कहकर कायर बिंदु को आगे धक्का देने लग जाता है, पर बिंदु आगे नहीं बढ़ती है और कहती है, कायर मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, आज रहने देते हैं। माँ से भी झूठ बोलकर आई हूँ कि अंसारी के साथ एक सहेली की शादी में जा रही हूँ, रात को वहीं पर रुकूंगी। कायर बिंदु को मनाते हुए कहता है, बिंदु माँ से तो हमेशा ही झूठ बोलती हो ना, जब भी हमें करना होता है, और अब झूठ बोल दिया तो उसका फायदा भी उठा लो, वरना सारे झूठ पर पानी फिर जाएगा, झूठ किसी काम का नहीं रहेगा। और तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, अगर झूठ से किसी का भला हो रहा हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, और तुम्हें तो पता है हमारा कितना भला हो रहा है। बिंदु अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, कायर तुम ना बड़े वो हो। कायर फिर बिंदु को मनाते हुए कहता है, अब चलो भी बिंदु, आगे बढ़ाओ अपने कदम। बिंदु अभी भी कायर की बात नहीं मानती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, कायर मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है,
आज ही करना जरूरी है क्या? हम बाद में भी तो कर सकते हैं, कायर बिंदु को मनाते हुए कहता है। हाँ बिंदु, आज ही करना जरूरी है। मैं ग्रेवयार्ड कोठी से सारी तैयारियां करके आया हूँ। वहाँ पर आज कोई नहीं है, वो खाली है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ग्रेवयार्ड कोठी हमारा इंतजार कर रही है। हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ करेंगे, बिंदु हिचकिचाहट के साथ कहती है। पर कायर, बिंदु इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही कायर उस पर चिढ़ते हुए कहता है। पर क्या बिंदु, जब से देख रहा हूँ मना करते जा रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो तुम जा सकती हो, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहकर कायर बिंदु से नाराज हो जाता है और दूसरी तरफ अपनी नजरें फेर लेता है। बिंदु कायर के गालों को छूते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, कायर मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा विश्वास है, तभी तो मैंने तुम्हें अपना ये जिस्म सौंपा है। ये जिस्म तुम्हारे लिए ही बना है कायर, इस पर जितना हक मेरा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मेरे रग रग में तुम समाये हुए हो। कायर अभी भी बिंदु के बर्ताव के कारण नाराज था, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। बिंदु फिर कायर को मनाते हुए कहती है, मेरे कायर तुम नाराज हो गए क्या मुझसे? सॉरी बाबा, अब मान भी जाओ, अब जल्दी चलो, करना है या नहीं, सुबह मुझे जल्दी घर भी जाना है। मान जाओ कायर, चलो अब। कायर अभी भी नहीं मानता और बिंदु को वहीं पर छोड़कर वापस से बंगला मुड़ा गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। बिंदु घबराते हुए कहती है, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया कायर, कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।